तुम्हारी ऑडियंस पूछेगी तुमसे, तुमने इतने पिल्लों को एडजस्ट की, क्या बोलोगे? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल? अरे मैंने तो पेट ढकने के लिए की है। मतलब बड़ी जेन्युइन सी बात लगी, कहते हैं मतलब उससे पता लगता है माइक, ये 1 2 3 1 2 3 हालो हालो क्या होता है। कहता पकोड़ा पकोड़ा। देखो शो हमारे यार दोस्त भी देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग कि कैसे कैसे चेक करना माइक टेस्ट। पकोड़ा पकोड़ा, समोसा, आलू गोभी पकोड़ा। हाँ। मैं तो सबसे अच्छा मुझे पकोड़ा लगा। और वैसे सही बात है कि हमारे शरीर पे आलू गोभी पकोड़े समोसे नजर भी आ रहे हैं। तो क्यों तुमने ये किया? आप फर्स्ट एपिसोड जरूर देखिए, तो उसमें पकोड़ा आई थिंक मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि उसमें कहते की जो आवाज होती है माइक में उस वो टेस्ट होती है। एक्सप्लोसिव्स कहते हैं, मैंने भी आई डोंट नो कि टेक्निकल क्या बोलते हैं, कि समोसा पकोड़ा जो फूंके निकलती है ना, पकोड़ा से पता लगता है पकोड़ा। हाँ पकोड़ा। You are watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works, powered by Aroma Musk. RFE Unplugged में आके कैसा लग रहा है? आई थिंक ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो आई वेल वेरी ऑसम, सो लिटिल बिट नर्वस भी हूँ थोड़ा सा कि पता नहीं कैसे क्या चीज़ है। नहीं नहीं अच्छा रहने वाला है। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप CHD लाइफ नाम का एक फेसबुक पेज या CHD लाइफ नाम की वेबसाइट या सबसे पॉपुलर अगर CHD लाइफ नाम का इंस्टाग्राम हैंडल अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें चंडीगढ़ की सबसे हॉट हैपनिंग क्रिस्पी टैंगी टेस्टी मसालेदार अपडेट्स जहां आ रही हैं और जहां पे लॉट ऑफ कम्युनिटी हेल्प भी ऑफ़र की जा रही है, और अगर आप उस फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं उसे फॉलो कर रहे हैं, सो वी हैव गॉट राहुल गोयल फ्रॉम CHD लाइफ, द ब्रेन द बॉडी द माइंड, और अपना इनिशियल कैमरा भी लेके आए हैं ये, जिससे इनको अपडेट्स आती थी। कहते हो जैसे आज जस्ट बॉट एन आईफोन है और मैं सुबह टाइम लैप्स शूट करता था लेक पे जाके। तो ये आज हम बहुत मज़ेदार चटपटी बातें करने वाले हैं विद राहुल गोयल, द फाउंडर एंड द ब्रेन बिहाइंड CHD लाइफ। राहुल, वेलकम टू RFE अनप्लग्ड। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। हाँ, और तुम हिंदी पंजाबी में बात करो यार, तुम CHD लाइफ चला रहे हो, कैसा लग रहा है आके? चंडीगढ़ में एक्चुअली बेसिकली यही बात है कि यहाँ पे आपको पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी तीनों का मिक्सचर ही करना पड़ता है। एग्जैक्टली वो मतलब मेरे काफ़ी ऑडियंस पंजाबी हैं, तो मैं पंजाबी विच भी काफ़ी कैप्शनस होंदे हैं, पंजाबी विच ही डायरैक्टली पाए जाते हैं, बिकॉज वो पंजाबी न्यूज़ नूं असीं कवर करते हैं, बिकॉज एक माहौल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो डैट पंजाबी दा जरूरी है। एंड हिंदी आई थिंक बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं चंडीगढ़ में बाकी सिटी से कंट्री की, तो हिंदी उनके लिए ज़रूरी हो जाती है। तो इंग्लिश तो डेफिनेटली, तो उससे हमें भी थोड़ी सी डालने के लिए कैप्शन जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, तो उसमें तो चलते ही चलता है। देखो पापड़ सबको बेलने पड़ते हैं। राहुल, तो CHD लाइफ का आइडिया कैसे आया आपको? बेसिकली मैं 13 साल पहले चंडीगढ़ आया था, तो तब मुझे बस चंडीगढ़ अच्छा लगा, सब कुछ था। तो उसके बाद आई थिंक मैं स्टडी के लिए पटियाला आ गया, तो मैं चंडीगढ़ जब आया दोबारा जॉब के लिए, तो मुझे लगा कि जहाँ पे मुझे न्यूज़ नहीं मिलती, तो मुझे पता नहीं लगता कि कहाँ पे कौन सी एक्चुअली क्या था उस टाइम पे 2015 और 16 की बात है, तो क्लब्स का काफ़ी क्रेज़ था उस टाइम पे कि पार्टीज़ होती हैं, सब कुछ है, तो कोई अपडेट नहीं था, कुछ नहीं था कि कैसे। फेसबुक पे पेजेस हैं, ठीक है, पोस्टर शेयर कर रहे हैं सब कुछ, बट एक वो नहीं था कि एक क्रिस्प मिलता है। अब ऑब्वियसली मैं अपने घर जाता था, वहाँ पे सबको पता था कि चंडीगढ़ वाओ, एक नाम चलता है ऑब्वियसली चंडीगढ़ के नाम का, पंजाब में एक अलग सी ब्रांड ही चलता है हाँ कि चंडीगढ़ से है वो, उसका बेटा वो बंदा चंडीगढ़ पढ़ता है, वो तेनू की पता है, मतलब एक अलग ही उसका फेम है चंडीगढ़ के नाम का। तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ करें कि जिससे एक अपडेट वगैरह रहे, तो हमने स्टार्टिंग में पार्टीज का अपडेट करना स्टार्ट किया था। आई थिंक उस टाइम पे हमने कुछ क्लब्स को भी वो किया था कि हम आपकी पार्टीज को करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करना स्टार्ट किया था सब कुछ है। तो जस्ट ऐसे ही लोगों को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे, सब कुछ है, तो धीरे धीरे बस ऐसी स्टोरी बढ़ी। तो स्टार्टिंग में मेरे एक फ्रेंड थे मेरे साथ जिन्होंने मेरे स्टार्ट किया, हमने सितंबर 18 में हमने स्टार्ट किया था। मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट करने की सोची थी, जिसमें मैंने सोचा था कि इंफोटेनमेंट वर्ड मेरे माइंड में था पहले बार से ही, जब मैंने ये सोचा था कि एक लाइफस्टाइल मीडिया जिसको लेके हम कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मैं सिटी बेस्ड लाइफस्टाइल करना चाहता था पहले, मतलब बीच में माइंड में आया कि लाइफस्टाइल नॉर्मल एक लाइफस्टाइल, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक चंडीगढ़ एक ब्रांड है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझे, जब मैं पहले 13 साल पहले +1 में चंडीगढ़ आया था, तब आई थिंक आपको भी पता होगा कि क्या चीज़ चलती है जब स्कूल टाइम आप आते हो। तो एक मेरे फ्रेंड्स कुछ मेरे चंडीगढ़िया कहने लग गए उस टाइम पे, मैं जब अपने घर जाता था। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे रही, आपने कहा ना क्लब्स वगैरह को टारगेट करके? एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में हमने ऐसी था, मैंने एक वेबसाइट मतलब डोमेन परचेज किया सबसे पहले। तो आई सर्च आउट की एक डोमेन अच्छा सा लें, मैंने काफ़ी डोमेन सर्च किए, मतलब चंडीगढ़ के रिगार्डिंग ही किए थे। तो डोमेन जब अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नाम मतलब वही ढूंढा, तो मुझे CSG मतलब वही चंडीगढ़ का एक शॉर्ट नेम, और मुझे लगा कि छोटा नेम ज़्यादा ईजिली याद रहता है। तो मुझे लाइफस्टाइल चाहिए था, तो मैंने एक इकट्ठा वर्ड जोड़ लिया CSG लाइव, और मुझे बाय चांस ये अवेलेबल मिला डोमेन। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड बाकी .com है, सब कुछ है। हमने वेबसाइट बना ली, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तो वेबसाइट चलाने के बाद, लेकिन मुझे तब पता लगा कि वेबसाइट डेवलप करनी एक डिफरेंट थिंग है, उसको ऑपरेशन करना अलग चीज़ है कि उसको उसमें कंटेंट भी डालना होता है, आपको रेगुलर बेसिस पे सब कुछ करना होता है। जिसको तो हम कहते हैं ना द वर्ड एंगेजमेंट, कि ऑडियंस को कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है। एग्जैक्टली तो वो वेबसाइट को उस टाइम पे करना थोड़ा मुश्किल लगा। तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी स्टार्ट की, लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम बेसिकली जो चलते थे। आई थिंक उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे चंडीगढ़ के रिगार्डिंग बहुत ही कम पेजेस थे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो मैं डेली गूगल न्यूज़ पढ़ता था कि चंडीगढ़ की कुछ न्यूज़ भी मैं अपडेट करूं। मैं कुछ फोटोग्राफर्स से मतलब जो इधर उधर घूमते थे, सब कुछ था। फ्रीलांसर बिल्कुल, या मतलब फ्रीलांसर कह सकते हैं कि उनको होता था कि मुझे फीचर करो। इवन कि उनके फॉलोअर्स मेरे से ज़्यादा होते थे, मेरे 200 फॉलोअर्स थे, उनके 1200 फॉलोअर्स होते थे। आई थिंक 2018 में तो इतना ही बहुत बड़ा होता था। तो धीरे धीरे ठीक है, आई थिंक वो स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि हमने स्टार्ट किया, मैंने अपने फ्रेंड के साथ। बाद में ठीक है, वो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है, मैं इसमें फिर भी टाइम देता गया। मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ते गए, काफ़ी लोग जाते रहे। तो बट मैं एक कॉन्स्टेंटली इसमें चलता रहा, रस्सी पकड़ के रखी। या बीच में तो मैंने भी 1-2 मंथ मुझे लगता कि मुझे लगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इतना टाइम लगाना पड़ता है, इसमें से कुछ आउटपुट तो निकले, कुछ मतलब मॉनिटरी बेनिफिट हो, कुछ भी हो कि मैं इतना टाइम देता हूँ। फिर 2 महीने बाद फिर से मैं क्या चलो करते हैं, देखा जाएगा। राहुल गोयल और मेरी मुलाकात कैसे हुई और हमारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ? आई थिंक एग्जैक्टली 2 इयर्स बैक की बात है। तो जब हमने 2019 की बात, 2019 की या मेरे ज़्यादा हमने अगस्त के महीने की ही बात है, जब हमने ओपन माइक के इवेंट्स करवाते थे। अब जब हम मतलब जैसे जैसे हमारा आगे टाइम बढ़ता गया, हमें रिस्पॉन्सेज मिलने लगे। मेरे पास एक रीच हो गई अप्रोक्स 3000-4000 पर्सन की इंस्टाग्राम पे। उस टाइम पे मैं वेबसाइट और फेसबुक भूल चुका था। आई थॉट कि एक इंस्टाग्राम जहाँ पे मुझे रीच मिल रही है और लोगों को एक उस लोग यूज़ भी करते हैं, इंस्टाग्राम ही है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डेफिनेटली आप लोगों को बेटर मालूम है, मैं आई एम लाइक क्लोलेस। तो हम तो पोस्ट डाल देते हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है बिल्कुल। आप भी इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली डालते कहीं और डालता हूँ। एक्चुअली हमारी पोस्ट हर जगह जाती हैं, पर मुझे लगता है एज अ एंटरटेनमेंट कंपनी हमारी पोस्ट्स जितने मेजर प्लेटफॉर्म्स पे जा सकती हैं हम डालते हैं, बहुत कैलकुलेटिवली उसको डालना पड़ता है। पर आपका पर्पस ही बिल्कुल डिफरेंट है। आपके यहाँ तो कोई बम कुछ भी सुई भी गिरती है तो वो अपडेट में आती है। एग्जैक्टली हमें हैशटैग्स बड़े ध्यान से लगाने पड़ते थे कि लोगों तक रीच हो। एनोनिमस हमें सबसे ज़्यादा पसंद चाहिए होती है, जो वो है एनोनिमस रीच। बिकॉज आप अपने फ्रेंड्स को कितना मर्जी बोल लो, मैं अपने रूममेट से बोल के फॉलो तक नहीं करवा सकता। आप गारंटी आपको लगता है ना कि मैं इतने से अपने पर्सनल लिंक्स में फॉलो करवा लूंगा, इतने तो मेरे फ्रेंड्स हैं। आपका रूममेट तक आपको फॉलो नहीं करेगा, मैं गारंटी से बताता हूँ। अगर आपके सामने एक बार फॉलो कर लिया, 2 दिन बाद वो आपको अनफॉलो कर। ऐसे लोग होते हैं लिटरली। लोगों को पता है, जो मुझे नहीं फॉलो करते उनको पता है। राहुल गोयल और चंडीगढ़ लाइफ के रूममेट्स जो कभी इनके रूममेट्स रहे हों वो देख रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि साहब जो बने हैं वो बन गए हैं। चलिए कम टू दैट पॉइंट कि जिसके कारण हम वहाँ पे पहुंचे थे। जैसे हम मिले, यस मैं बताता हूँ। उन दिनों में ऑफिस में हमारी प्री प्रोडक्शन चल रही थी। आई यूज्ड टू मीट विद माय टेक्नीशियंस, आई यूज्ड टू कॉल देम एट द ऑफिस। एंड राहुल का ऑफिस ऊपर ही होता था। एग्जैक्टली मैं उस टाइम पे उस ऑफिस में था, 2 फ्लोर ऊपर होते थे। तो हमारी रीडिंग्स चल रही होती थी, शॉर्ट डिविजनिंग, प्री प्रोडक्शन विद ऑल आर DOPs एंड आर एडिटर्स एंड आर ADs। हम सारे इकट्ठे बैठते थे। एंड उस दौरान हमारी फिल्म थी 84 जिसकी प्री प्रोडक्शन चल रही थी। तब राहुल से मुलाकात हुई थी। और उससे पहले हमारा एक स्टार्टअप्स बेस्ड सीरीज़ काफ़ी रन की थी इन स्वीट कॉन्वर्सेशंस, और उन पे ही जो फीचर हुए थे उन्होंने हमें मिलवाया था। मुझे जहाँ तक की याद है राहुल का वर्जन क्या रहा था? मुझे एग्जैक्टली अगर मैं स्टोरी बताऊं तो वो मैं भी सोचनी पड़ती है, लेकिन मोटा मोटा जितना मुझे याद है तो हम किसी इवेंट के उसमें मिले थे कि हमने कोई इवेंट करवाने की सोची थी कि हम इवेंट करें कोई। हम लोग भी एक शो प्लान कर रहे थे और CSD लाइफ के साथ बात शुरू हुई, राहुल मिले कि हम कैसे शो की रीच पे काम कर सकें, बिकॉज our forte then was into production majorly, and Rahul had a very good reach, matlab CSD Life had a very good reach in amongst the youth of the Tri-City region. तो उस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। Exactly, I think वो, लेकिन हमें बाद में पता लगा कि हम एक ही ऑफिस में हैं। हाँ, ऊपर नीचे। हाँ, मतलब दो। जब एड्रेस शेयर किया तो हमें लगा मैं यहीं पे, मैं आता हूँ नीचे। दो फ्लोर ऊपर और ग्राउंड फ्लोर पे, तो अभी भी वहीं है, बट राहुल साहब अब CSD लाइफ अब बड़े ऑफिस में चली गई। अभी इन्होंने मेरे को ऑफिस की नई पिक्चरें भेजी हैं और कह रहे कि साहब आओ, डेकोरेशन अभी पेंडिंग है, जो भी इंटीरियर वर्क होना है वो भी होना है, बट मतलब वी हैव सीन हिम ग्रोइंग ओवर द ईयर्स। ग्रीन मोहाली, हाँ ग्रीन मोहाली लिखा हुआ था, हाँ ठीक है, क्लीन मोहाली, ग्रीन मोहाली। अब इसमें एक कमेंट आया हुआ है मेरे पास, INE आया पब्लिकली तो है ना बिल्कुल। INE इज द एसी आउटडोर यूनिट्स ओवर ग्रीन मोहाली। हाँ, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि लाइक ग्रीन मोहाली के ऊपर ही मतलब एसी यूनिट सारी लगी हुई है। मैं ये तो हमारे साथ भी है, मेरी प्ली तो ये भी है कि अगर फिल्मों से पहले अगर आप बार बार चला रहे हो कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हर सीन में चला रहे हो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आप सिगरेट बैन ही कर दो ना। आप फिल्मों में क्यों लगवा रहे हो? सही बात है, आप बैन कर दो। जब सबसे पहले पेंडेमिक ओवर हुआ, सबसे पहले क्या खोला गवर्नमेंट ने? वो ठेके। क्यों? हमने भी कवर किए, बुरी चीज है ना, हमने भी कवर किए। हाँ, इतनी भीड़ बहुत बुरी चीज है ना। अगर आप कहते हो तो माना कि वो बुरी चीज है तो आप उसे बैन ही कर दो ना। exactly. आप उसे बेच भी रहे हो और आप कहते हो लोग पिए ना, आप एंटी कैंसर ट्रीटमेंट भी चला रहे हो और आप कहते हो पियो ना, तो भैया आप चीज ही बैन कर दो ना अगर वो है, क्योंकि उससे मतलब वही बात है कि ग्रीन ड्राइव मीन्स कि आपने ट्री काउंट बढ़ाया, ठीक है, आपने प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस किया, आप एसी बंद, अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम है वो अपने घर से हटवा ले पहले, आप पहले जी लो पहले उसके बगैर। मतलब आपकी बॉडी को भी ग्लोबल वार्मिंग में एक टेम्परेचर पे जीने की आदत है। ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं तो साफ रीज़न है, ये थोड़ा यार रीजनेबल बात किया करो ना, बिगैर दिमाग के कैसे। और ऐसे बड़े अजीबोगरीब कमेंट्स मुझे रेगुलरली मिलते हैं। और एक प्लेटफॉर्म ने एक अपडेट डाली कि एक पेंटिंग लगी शहर में, एक वॉल आर्ट हुई, ग्राफिटी हुई है जिसके ऊपर ग्रीन मोहाली लिखा है, तो उन्होंने कवर करके डाला कि ग्रीन मोहाली पे आर्टवर्क हुआ है। आई मीन आर्टवर्क कहीं पे भी किया जा सकता है। आप तुम कोई सेव द एनवायरनमेंट ट्री के ऊपर पेंटिंग बनाओ, तुम एक एसी रूम में बैठ के बना रहे हो, तो तुम भी हिपोक्रेसी कर रहे हो बेसिकली। तो तुम जंगलों में बैठ के नहीं बनाते फिर पेंटिंग। सेव द एनिमल करना है तो जंगल में चले जाओ, घर में क्यों बैठ के सोच रहे हो? आइडियोलॉजी तो कहीं से भी सोच के आ सकती है ना। तो राहुल बड़े इंटरेस्टिंग मैं अपडेट्स पढ़ता हूँ CSD लाइफ पे, मतलब समटाइम्स गेड़ियों की वीडियोस आ रही होती हैं, समटाइम्स मतलब यू हैव ऑल द चकमी न्यूज़ ऑल्सो, मतलब कि एकदम चड़कीली भड़कीली न्यूज़ ऑल्सो। और फिर सिटी में कोई इंपॉर्टेंट अलर्ट आता है, अपडेट आता है, कोविड रिलेटेड अपडेट्स थे या पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स थी या गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, हेल्थ की तरफ से, कुछ भी रहता है। आई मीन CSD लाइफ ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो राहुल लोगों के बड़े मज़ेदार रिक्वेस्ट और फरमाइशें भी आती हैं, क्या क्या आती है? बहुत कुछ, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। हाँ। मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छे भी होते हैं। हाँ। प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, लाइक अच्छा ही होता है। मतलब लोगों के मैसेजेज आते हैं बड़े अजीबोगरीब आते हैं, डेफिनेटली एक तो वो आता ही आता है। अपनी रील वाले मैसेज ही बताने हैं आपने। ओके चलिए, पहले मैं नॉर्मल बताऊं, जॉब वो हो गया है, वो हो चुका है। पर उसके अलावा एक तो चलिए जो तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, हमें दिन के कम से कम 15 से 20 आते हैं कि अपनी स्टोरी शेयर कर दी किसी ने, रील शेयर कर दी, प्लीज लाइक एंड शेयर ऑन योर प्रोफाइल, प्लीज शेयर ऑन योर प्रोफाइल। अब जैसे क्या होता है, एक ना सेक्टर 15 में कोई वो है ठेला या रेडी टाइप, मतलब वो लगाते हैं, उनके बड़े मैसेज आए हमें कि आप एक बार पक्का आओ हमारे यहाँ पे, मतलब मतलब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आओ एक बार आके, चाहे स्टोरी भी मत डालना, आप आओ सही, लेकिन एक बार मुझे बहुत पसंद है आपका पेज, सब कुछ वो करते हैं। मतलब मजेदार किस्सों में अगर मैं बात करूँ, मतलब मैं तो जो मजेदार हमने धमकी धमकी लिखी आज तक, हाँ क्या होता है कि मैं धमकी तो नहीं, चलो हम कह सकते क्या होता था जब मैंने नया नया स्टार्ट किया, ठीक है मुझे तो जो न्यूज़ मिली गूगल पे या कहीं भी कैसे भी, मतलब मैंने ढूंढा जो भी सोर्सेज इधर उधर से फ्रेंड्स से हैं, ठीक है चलो न्यूज़ मैंने डाल दी तो ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन मुझे भी नहीं पता था कि बहुत सही है या गलत है। अब जैसे क्या हुआ कि कोई लड़ाई होगी किसी दो ग्रुप्स में, अब आई डोंट नो कि वो ये पंजाब यूनिवर्सिटी रिलेटेड अपडेट, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की तो सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैं वही बताने लगा हूँ क्या हुआ था। अब दो ग्रुप्स की मान ले कि आपस में नहीं बनती है या कोई लड़ाई है कुछ भी है, ऑब्वियसली मैं वहाँ पे अगर कह दूँ कि जैसे मुझे न्यूज़ मिली कि भाई वहाँ पे इस ग्रुप ने ये चीज़ कर दी, तो मैं वही चीज़ अगर डाल दूँ तो ऑब्वियसली उस चीज़ की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है कि भाई किसका क्या है। तो हाँ एक और चीज़ होती है, जब ये आजकल मैं ये पोस्ट डालता हूँ ये नहीं उसके फार्म ऑफ प्रोटेस्ट की भाई यहाँ पे चंडीगढ़ में चल रहा है, तो काफ़ी लोगों के आते हैं समझ ही सकते हो कि मतलब कि फार्मर्स के रिगार्डिंग ये डालते हो वो डालते हो, तो उनसे चिड़ा है क्या है चीज़ ना, मतलब फिर आप तो बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के अंडर आ गए ना कि आप कुछ भी चीज़ साइट करो तो आपको एक उसकी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो गई है अब आपके लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि जिस काइंड ऑफ कंटेंट पब्लिशिंग के साथ CSD लाइफ लॉन्च हुआ था, आज इवॉल्व हो गया है, आज आपका एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म हो। एग्जैक्टली, आज हमारे पास मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हमें भी एक कोई भी पोस्ट डालने से पहले मुझे पर्सनली दो बार सोचना पड़ता है। अगर मेरी टीम में से भी कोई मतलब पोस्ट डालता है तो मैं बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसा सेंसिबल टॉपिक है कुछ भी है तो पहले एक बार पूछा जाए, कि मेरे से ज़रूर पूछना, क्योंकि मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। जैसे मैं वही बता रहा हूँ, तो मुझे ना किसी ने समझाया फिर एक कि यू शुड नॉट पोस्ट दिस काइंड, मतलब कि स्टोरी ऐसी कोई कवर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जब आप किसी एक बंदे को सपोर्ट करते हो उसके एंटी ज़्यादा होते हैं कोई भी पर्सन के, तो आपको एक तो अनफॉलो जो करेंगे वो एक डिफरेंट थिंग है, उसके अलावा आपके लिए इशू क्रिएट हो सकता है। तो वो तब मैंने उसको एक फिर अब तो मैं जब भी पोस्ट डालता हूँ जो स्टोरी कोई भी या न्यूज़ खासकर जो होती है तो एक वेरीफाइड सोर्स होता है मेरे पास, तो उसी से मैं पोस्ट करता हूँ। तो अब मतलब ऐसे नहीं कोई मतलब कभी आपको लगा कि आपको बहुत सारी पोस्ट निरपक्षता यानी कि अनबायस्ड मतलब न्यूट्रल मतलब है तो है, अगर किसी से कुछ काम हुआ है या हुआ है, क्योंकि लाइफ में हर आदमी के फॉलोअर और अनफॉलोअर तो रहेंगे। अब आज कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई अलर्ट है या कोई रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और CSD लाइव उसे अपडेट में डालता है, तो आई फील आपकी प्लेटफॉर्म की जो ऑनेस्टी और जो इंफॉर्मेशन सर्विंग सर्विस है ना, उसके लिए लोग आपको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि बिकॉज यू पोस्ट अबाउट सर्टन थिंग्स उस वजह से? अगर मैं कहूँ तो हमारे पास थोड़ी ऑडियंस मिक्स्ड है, बिकॉज मैं गेडियो की जैसे आप कहते हो गेडियो की भी फोटो डालता हूँ। इस चंडीगढ़ CSD लाइफ गाइज, CSD लाइफ का मैं एज अ पर्सपेक्टिव समझता हूँ, इट्स लाइफ इन CSD, लाइफ इन द ट्राई सिटी, राइट? सो लाइफ वेदर एनी थिंग गुड हैपन्स और बैड हैपन्स और इंटरेस्टिंग हैपन्स, ऑल द कल्चर दैट इज़ रिफ्लेक्टेड कि सिटी में कोई इवेंट आ रहा है या कोई अपनी इवेंट्स कर रहा है, या देर इज़ अ न्यू मॉन्यूमेंट बीइंग सेटअप, देर इज़ अ न्यू फ्लाईओवर बीइंग बिल्ट, आई होप समडे इट विल कम अप। जैसे पीछे कम्स अप, अभी ये बारिश हुई थी तो 26 सेक्टर पूरा भरा होता, हमने वो पानी भर गया था। ऐसा कुछ भी हो जो सिटी में लाइफस्टाइल बेस्ड हो, विच इज़ ब्रूइंग एंड ब्रिमिंग, वो मुझे लगता है दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ CSD लाइफ, इररिस्पेक्टिव वेदर। अब सिटी में कुछ मतलब आई डोंट लाइक टू से इट कि कोई गन फाइट ही हो गई है, बट हुई है ना, उससे यूथ में इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू रीड इट इन न्यूज़, आई मीन व्हाट्स द हार्म इफ CSD लाइफ राइट्स अबाउट इट और पब्लिशेज इट? एटलीस्ट सेम डे आपको एक राइट एक पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट्स आप चाहे इस बात फैक्ट को मुझे लगता है लोग पसंद करें या ना करें, बट अब रोज़ मैं अखबार खोलता हूँ तो मेरे हर बार मतलब की न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो दैट डजंट मीन कि आई विल अनसब्सक्राइब दैट न्यूज़पेपर, आई विल ओनली रीड दैट न्यूज़पेपर। जो मेरे मतलब की न्यूज मुझे दे। यस यस। अब न्यूज है यार, अगले दिन कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली जो हमारा चैनल है तो वो थोड़ा यूथ ओरिएंटेड होने के कारण हम ऐसी मतलब बोरिंग न्यूज नहीं डाल सकते। अगर मैं कहूँगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ये हो रहा है, नहीं, जब तक वो लोगों के टच में ना हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी करे डजेंट मीन, ठीक है ना। तो वो जरूरी है एक कि हमें वैसी वाली न्यूज़ डालना। कभी कभी आपको गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से मैसेज या कॉल आई है कि आपने ये खबर डालनी है या आपने क्यों डालनी है? नहीं, हमें ना एक मतलब एक दो जैसे इंस्टाग्राम पे चैनल चल, आई डोंट नो कि वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या किसके हैं, लेकिन वो हमें टैग करते थे अपनी पोस्ट में टू रीशेयर, कि आप रीशेयर करें, सब कुछ है। अब मुझे लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि वो ऑफिशियल हैं या नहीं है। तो आप क्या करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं या उनसे बात करते? नहीं, अगर तो देखिए वो न्यूज़ एग्जैक्टली सही है तो उसको डेफिनेटली हम पोस्ट करेंगे, सब कुछ है। तो अभी जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज़, जैसे वो न्यूज़ फ्लैश हुई कि मनसा देवी मंदिर में लड़कियों के शॉर्ट्स पहनना मना है, तो वो तब न्यूज़ नहीं थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में जस्ट एक स्टेटमेंट थी, लाइक किसी ने एक क्वेश्चन किया या फिर एक वो किया। तो आफ्टर डैट वो डीसी ने जैसे कंफर्म किया कि अभी ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन वो एक दो दिन के अंदर अंदर ऑब्वियसली जो चीज़ होती है, चलो ठीक है, वो बनी, फिर वो एक दो दिन में उसको लॉ, तब वो न्यूज़ बनी कि भाई वहाँ पे मना है वो, राइट। तो उन चीज़ों को मतलब अगर हम, मैं पहली बार में जब मैं पढ़ूँ कि भाई हाँ नहीं वो वैसा है, मतलब अब हम देखते हैं इंडिया में मोस्टली न्यूज़ ऐसी, न्यूज़ नहीं वो अफवाह होती है, कैसी फैल जाती है। एक होती है र्यूमर्स, एक होती न्यूज। एग्जैक्टली। तो मोस्टली क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब एक हीट डालने के लिए अपने पेज पे या अपने प्रोफाइल में, कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऐसी न्यूज जनरली फ्लैश हो जाती है, न्यूज नहीं अफवाह। अब जैसे वैक्सीनेशन के लिए कितनी अफवाह आई है, सब कुछ है, तो वही कि ऑब्वियसली लोग नेगेटिव वाली साइड पे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ऐसी बात। दैट इज बेसिकली Called sensationalizing of, तो हमें भी ये चीज देखनी पड़ती है कि हम किस चीज को पोस्ट करें, तो लेकिन उसका सोर्स क्या है, राइट। तो सोर्स ज्यादा हम जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, तो ऐसा कोई, सॉरी बोल सकते हैं? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तो मतलब कितना डर है लोगों के मन में, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये डरना नहीं है आपने, मतलब एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब कि ऑब्वियसली वो एक रिनाउंड है, तो सब कुछ है, तो वो वहाँ से हम न्यूज़ उठाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक वो सही है। ये मुझे CSD लाइफ की बहुत अच्छी बात लगती है, जो मैं दर्शकों से भी शेयर करना चाहता हूँ, कि CSD लाइफ कभी भी किसी भी यूज़र का प्रोवाइडेड कंटेंट अगर कभी भी अपने पेज पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करते हैं, तो वो हर सोर्स को क्रेडिट करते हैं। एग्जैक्टली तो एक बार ऐसे एक किस्सा याद आया, क्रेडिट करने के चक्कर में, तो क्रेडिट सीजिंग भी होगी थी। तो क्या हुआ, हम लोग कई बार क्या होता है 90% तो हमें लोग शेयर करते हैं, हम वो पोस्ट करते हैं कि जो हमें मतलब बोला गया कि भाई इसे रीशेयर कर दो, हमें वो हमें टैग करते हैं। एग्जैक्टली तो मोस्टली क्या होता है कि हमें लोग शेयर करते हैं या फिर टैग करते हैं, मतलब हमने हैशटैग हमारा यूज किया, मतलब हमारा क्या मतलब हैशटैग यूज करते हैं, तो हमें, हम पोस्ट कर देते हैं, रीशेयर कर देते हैं, सब कुछ है, क्रेडिट देते हैं। तो कई बार क्या होता है हमें भी कुछ पसंद आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक सीन हुआ था हमारे साथ कुछ महीने पहले। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनकी पोस्ट उठाई, मतलब हमने देखा कि अच्छी है, मैंने उनको टैग भी कर दिया कि भाई हाँ क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, तो हमने वो कर दिया। उनके आई थिंक फॉलोअर्स भी कुछ खास नहीं थे, अगर मैं बोलूँ ना कि बहुत अच्छी प्रोफाइल उनकी थी, ठीक है, फोटोग्राफी एक अच्छी थी उनकी, वो मैं उस टैलेंट की बात करूँगा, लेकिन फॉलोअर्स अगर बात करेंगे प्रोफाइल डेट्स नॉर्मल 200-300 फॉलोअर्स, तो हमारे उस टाइम पे 9,000 थे। तो उसने पर्सन ने मतलब इतने मैसेज हमें, मैसेज पे मैसेज कि क्यों यूज़ किया, हाउ डे यू टू यूज़ माय पिक्चर, देन मतलब उनको हमने रिप्लाई किया बड़े प्यार से कि भाई हमने आपको देखो फुल क्रेडिट्स दिए हैं, टैग किया, सब कुछ है। हाँ जी। वो क्या था, क्रेडिट्स नॉट पे माय बिल्स, माय हाउस रेंट, मतलब वो नहीं, आपका क्रेडिट नहीं, मतलब आपका क्रेडिट एक देने से, तो मतलब कई बार आपको वैसे लोग भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो आप ऐसे फिर आपकी कोई पॉलिसीज़ में, पोस्टिंग में कुछ चेंजेस आए उसके बाद कि आपने क्रेडिट करना या एग्जैक्टली तो हमने काफ़ी लोगों से तो फिर बात की जिनकी हम रेगुलर मतलब पिक्चर्स लेते हैं, सब कुछ है, तो हम मोस्टली अब उन्हीं को करते हैं कि या तो वो रेडी हैं, जैसे ऑब्वियसली कईयों ने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया होता है, या फिर हम एक मैसेज छोड़ते देते हैं कि कंसेंट की बात होती है, वो कर लेते हैं, मतलब एक बात की कल को दिक्कत ना आए, बिकॉज इंस्टाग्राम भी बहुत ज़्यादा वो है कॉपीराइट के मामले में। हमारे खुद एक मतलब एक दो पोस्ट ऐसे पहले, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ऐसी किसी को इवन कि हमने फीचर भी किया, फिर भी मतलब डिलीट हो जाती है, ऐसी बात। नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी से कंसेंट लेना, जो कि राहुल जी ने बताया CSD लाइव के लिए भी या किसी भी कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के लिए, कि आप लोगों जिनका कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं आप उनसे परमिशन सीख करें। ये हमारे साथ भी राहुल भाई बहुत होता है कि जनरली व्हेन वी प्रोड्यूस लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड फिल्म्स, खासकर ये हमारी फिल्म्स के साथ ज़्यादा होता है क्योंकि एपिसोड्स तो जनरली लोग नहीं यूज़ करते रीयूज़ करते, पर फिल्म जब हमारी जैसे एडमिटेड फिल्म आई थी, हमारी बदलती सोच फिल्म आई थी, ज़ुबान, ये जितनी फिल्में अभी भी आने वाली हैं मतलब री रिलीज़ होने वाली हैं, मतलब एडमिटेड तो इज़ ऑलरेडी देयर, तो रू तो लोग क्या करते हैं कि आपकी पूरी की पूरी फिल्म डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपने चैनल पर डाल देते हैं एज इट इज़, ताकि उनके चैनल की फॉलोइंग बढ़े कि दे हैव हैड दिस फिल्म। एग्जैक्टली YouTube पे तो हमने बहुत कुछ देखा है ऐसा, है ना, मतलब कि लेजिटिमेट कॉपीज बनती हैं। तो आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम, मतलब जितनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम जिसको हम कहते हैं, दैट डज नॉट कम अंडर आवर कंटेंट टीम, इट गोज अंडर डिस्ट्रीब्यूशन टीम, की वो उसकी कितनी इलेजिटिमेट कॉपीज बैठ रही हैं। फिर हमारी IPR टीम, लीगल टीम, डिस्ट्रीब्यूशन टीम मिलके भी हमें भी ऐसा कुछ फिर तो नहीं हम है ना हमें नहीं। तो आपने कभी सोचा कि कंटेंट या कॉपीराइट इश्यूज कैसे अर्ली लेवल पे फेस करने पड़ सकते हैं, या क्योंकि इनके लिए अब रूल्स और लॉज आ गए हैं। एग्जैक्टली इंस्टाग्राम तो काफ़ी, अगर आप किसी को जैसे रिपोर्ट करते हो किसी की पोस्ट को, तो इंस्टाग्राम बहुत ही मतलब बारीकी से देखता है चीज़ों को। मैं आपको बताऊं तो इंस्टाग्राम वो पहले जैसा नहीं है कि आप किसी की पोस्ट को कैसे भी शेयर कर दिया, अगर वो जिसका कंटेंट है अगर उसको देख गया जी, तो वो सीधी सी बात है उस पर मतलब वो कर सकता है अपना। तो राहुल, आप CSD लाइफ को लेके आपके क्या फ्यूचर प्लान्स, यानी कि आने वाले टाइम में हम क्या नई नई चीज़ें देखने वाले हैं? बेसिकली नई चीज़ें तो कंटेंट ही होता है। हाँ। तो जो हम भी मतलब आपकी तरह जैसे आप ऑब्वियसली मतलब कंटेंट हम भी मतलब ट्राई करते हैं कि नया प्रोड्यूस करें और कुछ नया लेके आए। हाँ जी। थोड़े बहुत हम चंडीगढ़ रिगार्डिंग मीम्स एंड ट्रोल्स भी चलाते हैं, कभी कभार एक आधा डाल देते हैं, हफ्ते में 1-2 लोगों को मतलब पता लगता ही है कि क्योंकि उसमें इनसाइट्स में शेयर होता है, सब कुछ है। तो बाकी हमने अपने और सोशल मीडिया चैनल्स जैसे यूट्यूब के लिए भी सोचा है कि करते हैं। सो मुझे कुछ रिलायबल टीम भी मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं इंक्रीज करें ताकि हम मतलब और ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स को रीच कर पाएँ। प्लस हमारे वेबसाइट के लिए तो सोचा ही है, वेबसाइट एक प्रॉपर न्यूज़ एंड लाइफस्टाइल मीडिया एक बनेगा जहाँ पे नॉट ओनली मतलब चंडीगढ़ 90% चंडीगढ़ रहेगा, 10% हम नॉर्मल लाइफस्टाइल पे भी बात करेंगे, सब कुछ है। तो क्योंकि चंडीगढ़ ठीक है कि चंडीगढ़ सिटी के अराउंड आप बात कर, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों को भी तो चीज़ें चाहिए हैं, तो वो नॉर्मल लाइफस्टाइल हम बातें करेंगे जैसे सब कुछ है। तो वेबसाइट भी हमारी जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ वैसे मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, अभी भी सिर्फ मेरे माइंड में ही थी, तो मतलब वो बैकएंड पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ ज़ूम करके चलाया जाए। तो CSD लाइफ ये नई चीज रिवील करने जा रही क्या है वो? हम अपने मर्चेंडाइज लॉन्च कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो e-commerce में हम लोग बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मे बी नेक्स्ट 15 to 20 days मतलब। तो आप ब्रांड एंबेसडर बनोगे? ये ऑन कैमरा ही ऑफर है? ऑफर है, यस। ऑन कैमरा क्या करना चाहिए मुझे? अरे मेरे दोस्तों के लिए, अच्छी कंपनीज के लिए मेरी हमेशा हाँ है। देखो ऑफर ऑन कैमरा है और हमने हाँ कर दी। राहुल ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये आप सारे लोग नोट कर लेना। बेसिकली उसमें मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे हमने प्रोडक्ट सोचे हैं। राइट। तो मतलब कूल हो गए, जूथ के रिगार्डिंग है बेसिकली। तो लेकिन आने की वेट करते हैं, आने की वेट करते हैं। डेफिनेटली टीजिंग इज इनफ। यस, मतलब डेट्स इनफ। तो प्रोडक्ट्स जो होंगे वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है। मैं लिटरली बोलूँ 2-3 प्रोडक्ट्स तो मेरे लिटरली खुद ऐसे इतने पसंद है। हाँ जी। तो बस वही उनकी प्रोडक्शन में अभी काम चल रहा है, सब Very कुछ nice. है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो मर्चेंडाइज को हम करेंगे। राहुल, मजेदार किससे बनाओ कि व्हेन यू आपकी टीम जाती है कोई स्पॉट को कवर करने, या आपको कोई फीड आती है, या आपको कोई स्टिंगर आपको कोई अपडेट भेजते हैं, तो कुछ मज़ेदार न्यूज़ जो आपको मिली हो, आपने एक अलग ढंग से उसे प्रेजेंट किया हो, या कोई चीज़ न्यूज़ लग के उतर गई हो, या आपको धमकियाँ आ गई हो, ये कोई 1-2 कोई मज़ेदार बात बताओ। देखो आई एम शेयरिंग दिस थिंग कि इन चीज़ों में कहना हमें लगता है कि बहुत मज़ेदार काम है, लेकिन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दी ओनर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना रिस्पॉन्सिव। देखो कभी कभार मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ हम एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में शुरू करते हैं, देन यू ग्रो रिस्पॉन्सिबल आउट ऑफ इट, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो रहता ही है, हाउ योर रीडर्स, हाउ योर ऑडियंस रिएक्ट्स टू इट, रिस्पॉन्ड्स टू इट, एंड आस्क एंड डिमांड्स फॉर मोर, ये बहुत चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपका फ्लो ऑफ पब्लिशिंग, फ्लो ऑफ कंटेंट, चॉइस ऑफ कंटेंट कैसा रहने वाला है। तो राहुल, एनी गुड एग्जांपल्स, एनी गुड थिंग्स आप शेयर करना चाहो? बेसिकली अभी ऐसा मैं बोलूँ तो धमकी वाली चीज़ तो नहीं हुई आज तक। ठीक है भैया, चलो थैंक। और धमकी वाली चीज़ तो नहीं हुई, नहीं धमकी मतलब ऐसा ऐसे नहीं। जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि मैं ये फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ डालता हूँ, तब एक आधी धमकी कह लो जाए उसका मैसेज आता था कि मतलब वो न्यूज़ भी कैसी होती थी कि इस चौंक पे हाँ कि धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, या फिर मतलब जैसे अभी पीयू में चल रहा था, इन्होंने मतलब काफी वो किया, तो ठीक है कुछ दिन पहले ही, तो उस चीज के रिगार्डिंग तब आ जाती है। ये तो अपडेट है ना, ये तो नेक्स्ट दिन न्यूज़पेपर में भी आनी है, मतलब इसमें क्या आता है वो डिपेंड करता है कि हाँ न्यूज, हमने तो न्यूज चैनल जैसे पंजाबी न्यूज चैनल है काफी, वहाँ से भी न्यूज उठाते हैं, सब कुछ है तो वो करते हैं। तो वो चैनल्स आपके साथ कंफर्टेबल हैं कि आप नहीं, वो आई थिंक ऐसा नहीं है, मतलब हमें क्रेडिट्स दे देते हैं कि वो ऑब्वियसली एक जैसे बड़े वही होता है। आई मीन इट्स लाइक सेइंग कि अगर कोई भी एक न्यूज़ वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो हम एज जनरल सिटीजन्स भी उस न्यूज़ को शेयर करते ही है ना। शेयर के आइकन तभी नीचे बने हुए हैं, है ना। अगर वो उठा के किसी ने अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दी और उसको क्रेडिट भी किया कि मैंने न्यूज़ यहाँ से ली, उसमें कुछ न्यूज़ चैनल्स को क्या मतलब वो कंटेंट स्टीलिंग नहीं है, वो तो कंटेंट शेयरिंग है। आजकल वैसे भी न्यूज़ चैनल्स अपने वाटरमार्क्स रन कर रहे होते हैं वीडियो में, जो भी यूट्यूब पे चलती है, वो फुटेज की सेफगार्डिंग वो जरूरी जो होता है वैसे तो जनरली। तो हम उस चीज़ से डिनाई नहीं करते, क्यों हमारे को ना ही मैं तो ये कहता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ, जब मैं ही मतलब वो करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे भी मतलब ऐसी सोर्सेज है। अब ऑब्वियसली एक सिंगल हैंडेड पर्सन एक कह सकते हैं आप इसको अगर हैंडल करना है। तो अब आपके साथ टीम में कितने लोग हैं, सीएसजी लाइफ में कितने लोग हो गए हैं? कुल मिला के एक। मैं जितनी देर भी आप लोग इस चीज़ को, क्योंकि रोल पे फ़ोन दिखाओ अपना, ठीक है। ये थोड़ी देर में ना ये फ़ोन जो है ये ना ब्लिंक कर रहा है चलते इंटरव्यू में, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे रखा हुआ था सोफे पे, और ये चमक रहा है। वो चमक इसलिए रहा है और क्योंकि ये जितनी अपडेट्स आ रही हैं ये मैं दिखाऊँगा नहीं जूम करके, बट ये सारी लोग इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, इनको टैग करी जा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली मेरी नज़र गई तो मैंने कहा मैं हाईलाइट करूं। तो कुल मिला के एक तो राहुल भाई जब भी चलते हैं गाड़ी रोक के अपडेट देखते हैं, अपने जो भी इनके भरोसेमंद सोर्सेज हैं उनसे वेरीफाई करवाते हैं, फिर पोस्ट बहुत करते हैं। मुझे ऐसे गाड़ी साइड पे लगा के, क्योंकि ऑब्वियसली ये चलते चलते आप पोस्ट नहीं कर सकते, चलते चलते आप रील की डैशबोर्ड की रील बना सकते हैं। हाँ, जो चलती है आजकल हाँ, ज्यादा वो मैंने ही बनाई है वैसे, ऐसी बात नहीं। हाँ, तो जब आप ये कर रहे होते हो तो कभी घर से फोन आ जाता है बीच में, तो कभी हुआ है कि यार अभी क्यों फोन किया अभी मैं कुछ एग्जैक्टली कई बार हो रहा होता है कि पोस्ट कई बार ना मतलब इमीडिएट एक के बाद एक पोस्ट उसके साथ की रिलेटेड स्टोरी सब कुछ है। कई बार ऑब्वियसली देखो सिंपल सी बात है, मैं भी मतलब ये नहीं है कि मतलब कि एक कि सिर्फ न्यूज़ देनी है, मुझे भी होता है कि मुझे भी वो मिले, मतलब मेरे रीच बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े, डेफिनेटली ऑब्वियसली मैं उसी के लिए तो मैं करता हूँ। तो होता है कि एक बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, सब कुछ है बड़े तरीके से वो डाला जाए। तो बहुत बार होता है कि हम नॉर्मल कंटेंट को एक मीम की फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं या एक ट्रोल की फॉर्म में, कि लोगों को क्रिस्प लगे कि भाई हाँ। शॉर्ट और क्रिस्पी आंसर्स दे सकते हो मेरे को अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? ट्राई करते हैं। कुछ चीज़ों के जवाब आप सिंपल हाँ या ना में दे सकते हैं, आपसे सफाई नहीं मांगी जाएगी उन चीज़ों की। वी आर नॉट आस्किंग सीएसडी लाइफ कल को पता लगे हमारी छाप ने हैं कहीं राहुल भाई जाके सोचें मुझे बहुत खींचा था शो पे, मैं बदला लूंगा अब हैं। मैं वेट करूंगा कि कब मतलब कुछ ऐसा होए और मैं साथ न्यूज़ डालूंगा। हाँ है ना राहुल भाई, आप क्योंकि मैं टची सब्जेक्ट से शुरू करूंगा। जब राहुल भाई मुझे पहली बार मिलना आया एकदम पतले दुबले सूखी डंडी, आप राहुल भाई कहते हैं कि हम जब हमारा ये सारा कुछ सेटअप लग रहा था कह रहा हूँ जस्सी भाई छोड़ो ना अब क्या ज़रूरत है, अब मेरी शादी हो गई है। है तो राहुल भाई आपके मन में कभी कभी आता है कि यार थोड़ा यार खाना पीना कम कर देना चाहिए? बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखो खाना पीना मुझे लगता है कि खाना पीना तो एक नहीं कम करना चाहिए, ना ही हो सकता है। कसरत शुरू करनी चाहिए। हाँ वो करनी चाहिए। टाइम निकल पा रहा है? नहीं, अगर निकलता भी है तो मतलब लाइफ में ब्रेक कहाँ लगेगी? ये भाई साहब ट्रेडमिल पे चलेंगे तो आप 4 अपडेट भेज देंगे, आप देखो ना कितनी स्पीड में। एग्जैक्टली यही होता है कि लाइक फ्री होते हैं मतलब कि जा सकते हैं, बट मुझे फ्री टाइम में कंटेंट रेडी करना है। ये बात देखो, तभी लोग कहते हैं कि जब व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ द वर्क समटाइम्स आपकी हेल्थ एक बैक ले लेती है, बट आप बहुत काम कर रहे हैं। अगर इफ यू वांट टू प्रमोट योर कॉज, योर बिजनेस एनीवेयर ऑन सीएसजी लाइफ, मैं बोल देता हूं भाई आप इनको मैसेज करें, यू कॉन्टैक्ट देम एंड इट हैज़ ह्यूज फॉलोइंग। और अगर आपको लगता है कि CSD लाइफ इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर यू, तो गाइज प्लीज़ हेल्प। हमारे चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है। और सपोर्ट लोकल एंड बी वोकल, आई थिंक है ना। Yes. बहुत ही अच्छा कॉज। मैंने लाइन भी बोल दी। थैंक यू सो मच भाई, मैंने कर दी प्रमोशन। थैंक यू सो मच। आप भी बोलना, कुछ और बोलना है? रेट रूट नहीं, वो आप बताना बाद में। रेट नहीं, आप मुझे मैसेज करो फिर मैं रेट बताऊंगा। वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कस्टमर नहीं, आपने कितने दिन कैंपेन या कैंपेन दिन के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे आजकल हमारा मंथली कैंपेन हमारे साथ काफी ब्रांड्स हमारे साथ वैसे टाइप में हो चुके हैं। मुझे कॉल आई, महंगे हो गए, तुमने कितना कुछ शुरू कर दिया। 7-8 महीने पहले मुझे बेस्ट है, चलो वहां से कॉल आई कि मॉल से कि हमें वही प्रमोशन करनी है, सब कुछ है ठीक है। तो कुछ 1-2 महीने पहले एलांटे से कॉल आई, वहाँ के जो मार्केटिंग था वो था कि हमारी एक पोस्ट शेयर करनी। आई थिंक उस टाइम पे कुछ था, संडे का कुछ सेल्स वगैरह चल रही थी। यस, एक्सक्लूसिव सेल थी उनकी। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो हार्म, बिकॉज आपको पता है ना इनके पास एक सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस है। अगर आपको वो सेगमेंट ऑडियंस में रीच करना है जो ऑलरेडी आपके ब्रांड की या आपके चैनल की या आपकी प्रोडक्ट की ऑडियंस नहीं है पर आपको जोड़ना है, तो नेचुरली आई फील इट्स अ वाइबल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी वाइबल थिंग। मार्केटिंग होती है ऐसे, और कैसे होती है। बाकी हमने मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। बस स्टैंड पे भी बोर्ड लगाता है तो इसी लगाता है ना कि बस स्टैंड की ऑडियंस उनके होटल के बाहर नहीं आती है, तो जो बस स्टैंड के बाहर खड़ा होगा वो बस स्टैंड के बाहर आपका वोट पड़ेगा ना, और फिर वो आपके होटल या ढाबे पे खाने आएगा। तो इट्स द सेम थिंग। लोग ये कन्वेंशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं इतना? रेफरल मार्केटिंग, रेफर ही तो है। अगर न्यूज़पेपर में मेरे शोरूम का पैम्फलेट जा रहा है तो भाई साहब न्यूज़पेपर पढ़ने वाली ऑडियंस को ही तो मैं अपने शोरूम में बुला रहा हूँ ना, तो उसमें हार्म क्या है? आप न्यूज़पेपर को भी पे करते हो, आप डिजिटल को भी पे कर दो। मैं तो साफ कह रहा हूँ। एग्जैक्टली आप कुछ कह रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि एक मतलब ठीक है, अच्छा लगता है जब जैसे एलांटे जब मुझे कॉल आई, आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है कि एक अच्छा मतलब टाइप्स वगैरह होते हैं सब। तो वो जो 2 महीने जब आप उस कश्मकश में थे कि मेरी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, सीएसडी लाइफ जब आपको करना पड़ रहा, तो जब आपने वो टाइम रिकॉल किया कि आज कॉल्स आ रही हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो वो जब टाइम था तब ऐसा था कि और मैं क्या ही कर रहा हूँ, मतलब ठीक है कि मतलब वही मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड्स तक मुझे फॉलो नहीं करते। मतलब ठीक है, मतलब मैं जैसे बोलता हूँ कि हर किसी को भी फॉलो कर। उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्हें फॉलो नहीं किया आज नहीं, लिटरली ये होता था। मैं किसी को मैं पीछे पड़ के भाई फॉलो कर ले ठीक है, नहीं कर रहे ऐसे ही, मतलब ये नहीं कि कोई कारण कि अच्छा नहीं है, बुरा है, कुछ भी है। हाँ। तो वही चीज होती है, मतलब जैसे आपके अपने लोग ही आपको क्यों सपोर्ट नहीं करते। ये बड़ा होता है जनरली ये चीज कि मतलब आपके अपने लोग भले ही आपको फॉलो ना करते हो, सपोर्ट ना करते हो, सॉलिडारिटी भी नहीं करते। क्या चेक जरूर करते हैं प्रोफाइल। अच्छा देखते हैं, मतलब कई बार पता ही लग जाता है इसको कि भाई हाँ कि चेक किया, पता लगता है यहाँ पे। चलिए, और जब कई बार बात हो रही होती है तो बंदे उससे पता लग जाता है कि हाँ उसको पता है कि भाई किस चीज पे कहाँ पे रीच हुई है, कैसे हुई है। तो वो चेक जरूर करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। और इवन कि ना मुझे काफी बार हुआ है कि लोग कहते हैं कि ये फॉलोअर्स के पीछे पागल हो रखा है कि ये कह रहा है फॉलो करो। मैंने कहा मैं तो इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें न्यूज मिले, सॉरी कि तुम्हें अपडेट मिले तो तुम लोग करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। कि अगर मैं तुम्हारे मतलब जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने फ्रेंड के फ्रेंड से मिला, मैंने उनको बोला कि मेरे पेज को फॉलो करो कि तुम्हें कंटेंट मिलेगा। मुझे अपना कंटेंट अच्छा लगता था, मुझे था कि चलो करो, लेकिन मुझे था कि तू हर जगह करने लग जाता है। तो ठीक है, वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि एनोनिमस जब मैसेज आते हैं कि यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, ये वो, तब वो अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो ऑडियंस है, वो जो अननोन लोग हैं, वो आपको आपके प्लेटफॉर्म की जो मेन आइडियोलॉजी है, जो आप उस पर कंटेंट सर्व कर रहे हैं, जो आप फिल्में बना रहे हैं हमारे केस में भी, वो उसके लिए आपको फॉलो कर रही हैं। उन्हें कुछ मिल रहा है जो वो चाहते हैं। Yes, और शायद आपके अपनों को की चाहत वो ना हो जो आपको हो जाता है कि जब आपके बंदे जैसे मैं कई बार हम किसी जगह पे गया, पार्टी में, क्लब में, वहाँ पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मैं उनको दिखाता हूँ, वो बड़ा पसंद करते हैं कि अच्छा यार ऐसा कुछ है, वाओ कि हमारे चंडीगढ़ घूमने आए हुए थे, हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम इसको फॉलो करेंगे। हाँ जी, तो लास्ट टाइम जब हम मीटिंग में मिले थे, आप इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था मीटिंग में। यार मैंने कितने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया होगा। तो इन्होंने जब इंट्रोडक्शन में नाम बोला CSD लाइव, तो आई थिंक काफी लोग थे वहां से जिन्होंने कहा कि यस हम फॉलो करते हैं। और लिटरली उसके बाद जब बातें हुई तो हम दो एक दूसरे के मतलब जब उसको देखा तो लिटरली उन्होंने मैसेजिंग की भी हुआ होता हमारे बीच में, राइट। तो मतलब एक अच्छा लगता है कि जब आप कहीं जाते हो तो ठीक है मुझे फेस मेरा नहीं है, मुझे नहीं जानते बट आपका ब्रांड चल रहा है एग्जैक्टली, तो वो एक देखो ये एक फीलिंग होती है कि व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड इन अ आइडियोलॉजी, इन अ बिजनेस, इन अ स्टार्टअप, इन अ कोर आइडिया, और आपको समझ में आता है कि आपका आइडिया, आपकी आइडियोलॉजी, आपने जो जिस चीज़ पे आपने इतने साल लगाए हैं, दिन रात मेहनत की है, लोग उसे पढ़ रहे हैं, उसे देख रहे हैं। ये सिर्फ ना कि CSD लाइफ, ये बड़े बड़े चैनल्स या न्यूज़पेपर्स, उनके भी ओनर कौन है, उनका भी पीछे कोर टीम क्या है, किसी को नहीं पता। बट लोगों को आपका न्यूज़पेपर, आपका TV चैनल, आपका जैसे हमारा भी चैनल है, कोर टीम पीछे कोई भी हो, बट लोग आपका चैनल देख रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या खास बात लगी आपने इतने एपिसोड, मतलब इस एपिसोड पे आने से पहले राहुल भाई ने हमारे लगभग, सच्ची बता दो, एपिसोड देखी भी है कि नहीं देखी? देखी है, मतलब पूरे चाहे ना भी देखे हो, बट फास्ट फॉरवर्ड में जैसे मैं मूवी देखता हूँ वैसे देखे हैं, तभी मुझे पकौड़ा पता है। तो आपको RFE Unplugged पे खुद आके कैसा लग रहा है? आई थिंक ये मेरा ड्रीम कम्स ट्रू है। वैसे मुझे हंसना नहीं चाहिए था लेकिन है। क्या ड्रीम कम ट्रू? देखो यार, आज ना हमारे चैनल पे 2-3 डील साइन हो गई हैं। एक तो राहुल भाई का ड्रीम कम ट्रू हो गया, ऊपर से इन्होंने मैंने एंडोर्समेंट की ऑफर दे दी है, ऊपर से इन्होंने मुझे अपना नया एक मर्चेंडाइज भी दे दिया है, ऊपर से हमारे बंदे भी खुश हैं। इन सबको दे देने आपने, ठीक है। तो आप CSD लाइफ ज़रूर फॉलो करें अगर आप शहर में बहुत ब्रिमिंग और बहुत ही ब्रूइंग अच्छी अप टू डेट एंटरटेनमेंट मसाला हर तरह की अगर आप अपडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, CSD लाइफ इज़ द प्लेस टू बी। हाँ, थोड़ी गेड़ी वेड़ी और लोगों के भंगड़े करते हुए फनी में सब चलते हैं, बट आपको आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ ब्रेक ज़रूर मिलेगा। ये CSD लाइफ की खासियत है कि लाइफ के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो CSD लाइफ में, मतलब मैं फॉलो करता हूँ, मुझे तो मिलते हैं। हाँ, आप अपना बताओ कि आपको कोई ऐसी कोई चीज़ मिली हो जो आपने सोचा हो कि वाह, मतलब जिससे आपको लगा हो कि भाई हाँ कि यार ये पेज कुछ काम कर रहा है, ये बंदा कुछ काम कर रहा है, वैसा कोई चीज़? ऐसी बहुत है। मैं खुद पर्सनली मतलब दिन में शायद ज़्यादा नहीं, मैं 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज पूरा दिन काम में, रिकॉर्डिंग में, ट्रैवल में और उसमें रहता है। तो मेरा काम ना देखने का काम और मतलब कुछ रिकॉर्डिंग आई या कुछ हुआ वो करके टीम को भेज दिया। टीम रखनी पड़ती है बिकॉज अब जैसे हम बैठे हैं, पोस्ट और अपडेट्स तो चल ही रहे हैं ना, सो कंटेंट अप्रूव करके मैं दे देता हूँ कि आप ये डाल दो, ये फोटो है, ये अनाउंसमेंट है करके डाल दो। मैं जब 5 मिनट देखता हूँ तो मेरे फीड में जैसे कि जो आता है मुझे कुछ मोमेंट्स बहुत फ़नी लगते हैं इनके। मैं स्टोरीज़, पहली बात मैं पर्सनली स्टोरीज़ कम देखता हूँ, ओके। हाँ, मैं वॉल पोस्ट ज़्यादा देखता हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ डिसिप्लिन, तो मुझे जो वॉल पे जो कंटेंट नज़र आता है ना, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, बड़े अच्छे ट्रिवियल से कैप्शंस होते हैं, वो मेरे को अच्छे लगते हैं। बल्कि रादर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं जो भी सिटी में, क्योंकि मैं सीरियस, मेरी पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ मैं कंटेंट के लिए बहुत सीरियस हूँ, तो शायद मुझे पर्सनली राहुल भाई ट्रैक्टर, चकमी सा ट्रैक्टर चल रहा हो और उसके ऊपर कुछ भंगड़े हो रहे हो, शायद मुझे वंस इन अ वाइल मुझे आइडिया ज़रूर लगता है CSD लाइफ देख के कि हमारी यूथ किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है और क्या रिप्रेजेंटेशन चल रही है। तो समटाइम्स आई गेट आइडियाज़ कि हाँ कि कभी कभार मैं कुछ स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ या डायलॉग्स लिख रहा हूँ तो मैं क्या इंक्लूड करूँ कि मैं सीन लिख देता हूँ कि मेरा एक यूथ है, वो एक पेज देख रहा है और पेज में एक ट्रैक्टर चल रहा है और उसका फॉलो शॉट चल रहा है, तो वो कुछ आइडियाज़ हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स आपको रिकॉर्डिंग कर करके भेजते हैं। एग्जैक्टली। और सोशल मीडिया को फिल्म्स में भी एक तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। पेंडेमिक में जिन्होंने हेल्प की, ऑक्सीजन के टाइम में अभी जब हुई, अभी कहीं पे वैक्सीनेशन अलर्ट्स हैं, रादर मुझे भी याद है जब वैक्सीनेशन की नीड थी तब मैंने मतलब आई कॉल्ड राहुल भाई एंड आई सेड कि राहुल भाई प्लीज़ लेट मी नो वेयर दिस इज़ अवेलेबल राइट नाउ फॉर 18 to 45 एज ग्रुप, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे लोग थे, हमारे ऑफिस की टीम थी कि शॉर्टेज चल रही थी उसको। मैंने विद इन आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में आपको इन्होंने सर ने सारी ढूंढ के दे दी हमें। तो पॉइंट इज़ कि वैक्सीनेटिंग और टीम, कोर टीम एंड क्रू बहुत बड़ा क्रू है, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं और जगहों पे कवरेज करने जाएँ, फिल्म करने जाएँ, शूटिंग्स पे जाएं हम, तो हम कभी कभार अनसेफ एनवायरनमेंट में काम करते हैं और वी नो आर रिस्क वी आर टेकिंग इन लाइफ। तो राहुल भाई और CSG लाइफ की बहुत हेल्प रही एंड दैट्स वाई आई फेल्ट कि चाहे माहौल जो मर्जी हो, इन्होंने एक बहुत काम ऐसे किए हैं जो मैं गिना भी नहीं सकता, जो सोसाइटी के लिए बहुत रेलिवेंट है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो CSG लाइफ दे पाए। इसलिए अब हर एक के लिए हर प्लेटफॉर्म इंग्रेडिएंट नहीं हो सकता है, हमारा प्लेटफॉर्म भी हर एक को सफाइस ना करता हो, बट हर आदमी हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है। बस वही चीज़ है जो कि मुझे पसंद आती है एंड आई अप्रिशिएट कि जो आप बहुत डाइवर्स कंटेंट लेके आ रहे हो, उस पर हम भी वही ला रहे हैं, आप भी वही ला रहे हो। जैसे आप, अभी मेरे एक बात याद आई, आप जैसे बता रहे थे कि आपने मुझे कॉल करके जैसे पूछा कि कहाँ पे, चले ठीक है, आपने हमारा एक पर्सनल था कि आपने डायरेक्टली मुझे कॉल की। जनरली क्या होता है कि इसमें फ़ोन नंबर जो मेरा डाला होता है, मुझे कई बार कॉल बड़े अजीब वगरीब आते हैं, असी रोटी खाना जाना कितने जाइए। हाँ आई मीन यार सोचा करो। चलो एक दिन तो मतलब बड़ी हद हुई, ऑब्वियसली मैं एक मैरिड हूँ अब तो, मतलब अजीब लगता है, रात को 11 बजे कॉल आ रही है और रूम नहीं लभ रहे जी सानू मोहल्ली चो नहीं तो दे कोई रूम मैं क्या सॉरी नॉट अवेलेबल कर दिया मैं तो इस टाइम पे मैं क्या ही बोल सकता हूँ। और इतने एप्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं, आप एग्जैक्टली मतलब तो मुझे कई बार होता है कि मैं फोन नंबर वहाँ से हटा दूँ, मैंने कहा नहीं यार चल छोड़ो, इन चक्करों में कहीं किसी को अगर कोई जेन्युइन हेल्प ना लूज कर जाएं या कहीं ना कहीं मैं अपना कोई चीज़ ना लूज कर जाऊँ। आप जरूर सोचें कि आप रात को किसी को 11 बजे कोई इन्फॉर्मेशन हेल्प कर रहे हैं, कोई पुलिस स्टेशन थोड़ी है उसके लिए कॉप्स इन्फॉर्मेशन भी ऐसी वाली, मतलब कि भाई डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी हेल्प कर सकते हो कुछ भी। अब मुझे डायरेक्टली कॉल आती है कि भाई डायरेक्टली कॉल आती है कि मैंने रूम चाहिए है, मतलब मोहाली दे विच, मतलब व्हाट काइंड ऑफ दिस, कि मतलब कि ये बड़ा अजीब लगता है, मतलब इस तरह से मतलब हाँ मतलब होता कि भाई हाँ कि कोई रेंट वगैरह पे दिला दो, ये वो नहीं है, वही बात है क्या पता घर घर से निकाल दियो सड़क पे, वो फिर तो बंदे को सब कुछ सही लगता है। राहुल भाई फिल्में देखते हो? यस देख लेते हैं नॉर्मल। अच्छा राहुल भाई हमारी कौन सी फिल्म देखी आपने? आई एम सो सॉरी लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि रूममेट जैसे फॉलो नहीं करते बड़ा बेशरम आदमी है। सॉरी एक्चुअली ना पता मुझे नाम पता। हमारी फिल्मों की प्रमोशंस कैसी चल रही हैं? हमारा कुछ भी आता है प्रमोशंस। मैंने ना आपका पिछले साल की बात है, PTC अवार्ड चल रहा है, मैं टीवी देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। मैं वैसे टीवी बहुत कम देखता हूँ, मैं खुद हैरान हुआ, मतलब मैं क्या वाह, मैंने कहा ये तो मैं जानता हूँ पर्सन को। मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा मम्मा आप जानते हैं, मैं क्या आपको पता है ये नॉमिनेशन के नेम आ रहे हैं, मैंने कहा मैं जानता हूँ इस पर्सन को। चलो भाई किसी ने तो हमें टीवी पे देखा, लोग तो मुझसे आपकी मूवी आई थी पिछले अवार्ड शो में, कौन सी नॉमिनेट हुई थी? लकी कबूतर थी। यस 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 यस। तो वही मैं कोई तो मिला जो टीवी देखता है और काम डिजिटल में कर रहा है, तो मैं वही कह रहा हूं कि मैंने तब देखा और डिजिटल भी जरूरी है। आई थिंक तब मैं कुछ मतलब वही पब्लिक प्लेस में ही था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई नॉमिनेशंस आ रही हैं उसमें PTC अवार्ड में। वहाँ पे मैंने देखा कि डायरेक्टर ओजस्वी शर्मा, मैं स्पेशल मैंने कहा ये तो मैं जानता हूँ, मैंने कहा वोट करें चलो देख। मैंने वोट भी किया था उस टाइम पे। क्या किया था? वोट किया था वो नॉमिनेशन। अरे भाइयों मेरा वोट यहाँ बैठा है, क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने मैसेज अभी ये पिछले आज के दिन के, आज मैं एक्चुअली ट्रेवल कर रहा था, ये अनरीड है सारे 100 मैसेजेस। ये देखो ये ब्लू टिक जो ब्लू डॉट आ रहा है ना जिनमें दिखाना करना, ये 40 रिक्वेस्ट हैं। हाँ जबकि मैं डेली देखता हूँ आज की 40 रिक्वेस्ट है नाइस। ये मतलब तुम्हें तो बड़ा फोन चाहिए होता होगा ना? बड़ा ही है। नहीं हाँ, बड़ा तो का मतलब कि बड़ी मेमोरी, बड़ा प्रोसेसर। हाँ ये है। तो मैंने अभी क्या किया, मेरा पहले फ़ोन 64 GB है, जैसे मैंने गलती कर ली एक सबसे बड़ी। हाँ उसके बाद मैं किसी को सजेशन नहीं देता। अरे तुम तो सेल के लिए डाल दो CSG लाइफ पे। तो नहीं फिर मैं क्या करता हूं, फोन मैं नहीं, अब मैं फिर iCloud बना रहा हूं दिखाने के लिए। आई परचेज iCloud। अच्छा यार यू आर अ एक्सपेंसिव कंपनी नाउ, यू आर अ बिगर कंपनी, तुमने क्लाउड स्टोरेज ले ली होगी। अब दिक्कत नहीं आती, अब तुम मतलब मोटा बिल फाड़ रहे हो कंपनी के खाते में जो कि मैं ही और करता। गिवन अ चॉइस, इंस्टाग्राम आपको लगता है कि हैज मोर स्कोप, फेसबुक और ट्विटर? किस कंटेक्स्ट में आप बात करना चाहेंगे? अगर तो वैसे कि लोग जैसे अब रील है इंस्टाग्राम पे, जो रील ने जितना मतलब आप कह सकते हैं कि हाइप क्रिएट किया या लोगों को काम पे लगा दिया है, ठीक है ना, कि मतलब अपने आपको क्रिएटर बोलते हैं रील पे, मतलब वो बना के, या फिर मतलब कई लोग तो एक्टर प्रोड्यूसर मतलब वो भी बोल लेते हैं अपने आप को। ठीक है। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में? देखिए, लोगों के लिए अच्छा टाइम पास तो इंस्टाग्राम है, क्योंकि ट्विटर पे ऑब्वियसली हर कोई नहीं बंदा पॉलिटिकल वो न्यूज़ सुनना चाहता था, कुछ भी है वहाँ पे। हैशटैग नकली भी चलाए जाते हैं, सबको सबको पता है कि इधर वाले लोग उधर का हैशटैग चलाते हैं, उधर वाला उधर को, सब कुछ है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे किसी को नहीं पड़ी। आप हैशटैग सोचने में कितनी देर लगाते हैं? बेसिकली मेरे कुछ हैशटैग तो फिक्स होते हैं, जैसे मेरे खुद का CSG हैशटैग, CSG लाइफ हैशटैग, चंडीगढ़ लाइफ हैशटैग, चंडीगढ़ हैशटैग, मोहाली हैशटैग, मतलब ऐसे कुछ हैं जो फिक्स्ड हैं। तो बाकी आप फोन कितनी देर में एक्सेस करते हो बार बार? इंस्टाग्राम दिन में कितनी बार खोलते होगे खुद पर्सनली? काउंट करूंगा तो फिर देखते हैं, काउंट करूंगा नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली, है ना। नहीं, हमारे फोन में ना कंट्रोल्स आ गए हैं जिसको कहते हैं डिजिटल वेलबीइंग कंट्रोल। मैं बताता हूं, वो जैसे उसमें आता है कि आपकी स्क्रीन टाइम ऑन कितना था एंड एप्स के टाइम क्या था, वो उसमें सबसे ऊपर मेरा इंस्टाग्राम ही रहता है। और कितनी देर टाइम कैलकुलेट हुआ है उसमें कुछ लास्ट टाइम परसेंटेज मेरे ज्यादा कुछ है, वो पूरे फोन का एक साइड था 40% इंस्टाग्राम था और बाकी व्हाट्सएप। बाकी मेरी कॉलिंग ज्यादा रहती है क्योंकि ऑफिस के रिगार्डिंग कॉलिंग ज्यादा रहती है। राइट। आप और पेजेस भी फॉलो कर रहे हो देखने के लिए कि क्या चल रहा है? देखना पड़ता है, पूरी नजर रखी हुई आपने मार्केट में, वो रखनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। अब जैसे हम पे लोग रखते हैं, कई बार क्या होता है कि मुझे एक अच्छी न्यूज मिली, मैंने पोस्ट की, हाँ, तो तब पता लगता है कि जो आसपास के कुछ और पेजेस हैं। ठीक है, देखो एक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक वो स्टूडेंट लाइफ से निकल चुका हूँ अब। हाँ। वैसे जो स्टूडेंट होंगे उनके पास अलॉट ऑफ टाइम, अलॉट ऑफ चलिए एनर्जी तो नहीं, हम मतलब कह ही सकते हैं। ठीक है, वो एक होता है मतलब एक उसमें, तो उनके पास ज़्यादा वो चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं। अब हम लोगों ने अपना प्रोफेशनल करियर भी देखना है, सब कुछ वो देख रहे हैं। राइट राइट राइट। तो हम लोग उतना वो नहीं कर पाते, ठीक है ना, जितने मतलब बाकी पेजेस हैं। जैसे जब हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक उस टाइम पे आसपास के एक या दो ही थे जो चंडीगढ़ के ऐसे कोई पेज चलाते थे। तो आज के टाइम में स्टूडेंट्स हर कोई मतलब इंस्टाग्राम पे, मैं लिटरली आप अगर सर्च करेंगे ना, आपको इतने मतलब प्रोफाइल्स मिल जाएंगी कि चंडीगढ़ वाले जो भी मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे नाम रख के कि आसपास के डॉट डॉट लगा के या हैशटैग लगा के ऐसे नाम बना बना के। तो कभी आपको लगता है आपकी कॉपी हुई है? हाँ, मतलब हो ही जाती है। मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं करता, जैसे कई लोगों को आदत होती है अपनी वीडियो या फिर पोस्ट में ना अपना हैशटैग लगा, अपना वो @ करके लिख देंगे। हाँ। मुझे नहीं लगता कि हमने कभी लिखा होगा, चलने दो, कॉपी कर रहे हैं कि एटलीस्ट न्यूज़ है कोई पहुँच रही है। जैसे मेरे ना, मैं मेरी फर्स्ट टाइम जब फिल्म की पायरेसी हुई ना, तो पायरेसी क्या होती है? डिजिटल एरा में पायरेसी को कहते हैं कि आपकी फिल्म आपकी ऑफिशियल हैंडल पर गई है, उसको लोगों ने डाउनलोड किया और अपने हैंडल पर डालना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे थिएटर के प्रिंटर पहले CDs में आते थे, फिर वो YouTube पे डाल दिए, है ना, वो जो टॉरेंट वॉरेंट से डाउनलोड मारते थे लोग, है ना। तो पायरेसी अल्टीमेटली आप किसी की हार्ड वर्क, करोड़ ऑफ रुपीज जो जिनकी एक्सपेक्टेशन है वो आपने डैमेज कर दी है। ठीक है, मेरे बहुत अच्छा एक एक्टर थे हमारे सेट पे, मैं अभी इस शो में नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हमारे शो पे आएंगे। ठीक है, तो मैं ये किस्सा उनके साथ ही शेयर करूँगा। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, कहते हो जैसे भाई परेशान क्यों, मैं सेट पे बैठा हुआ। मैंने कहा साहब ऑफिस से ना बार बार फ़ोन आ रहा है, मैंने भाई साहब बोलता हूँ, मैंने कहा भाई साहब ऑफिस से ना बार बार फ़ोन आई जा रहा है कि ना हमारे फिल्म आई थी बदलती सोच, वो तो जैसे ही अपलोड हुई ना तो मतलब इतनी तो सेम डे ना कुछ 12-13 हैंडल्स पे वो पिक्चर चढ़ गई। तो यूज़र जो है, व्यूअर जो है, उसको ये समझ नहीं, उसको वो तो फिल्म का नाम लिखता है और उसको सामने रिजल्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। तो जो इमर्जिंग चैनल होते हैं वो आपकी फिल्म यूज़ करते हैं अपने सब्सक्राइबर और अपनी वो बनाने में। yes, तो yes, वो पता है क्या मुझे कहते हैं आप परेशान ना हो, आपकी टीम काम कर रही है ना। मैंने कहा हाँ ऑफकोर्स वो कर रही है, डिजिटल टीम लगी हुई थी, हमारे जो इन्फ्रिंजमेंट जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो लगे हुए थे। कहते हो जस्सी भाई, वो उन्होंने चाय मंगाई मेरे साथ, हमने चाय, मैंने, उन्होंने क्या मंगाई, मैं नहीं मंगाई, मैं ही मंगाता हूँ चाय। और वो बैठे, उन्होंने बिस्किट डबोया और बिस्किट डबो के कहते कि ओजस्वी भाई पायरेसी ना हिट फिल्मों की होती है, फ्लॉप की नहीं होती। तो कहते हैं आपकी फिल्म की कॉपियाँ बन रही है ना, इसका मतलब आपकी फिल्म में दम है। ठीक है, तो एंड और मतलब साहब ने बिस्किट डबोया और वो खा गए, मेरा बिस्किट डूबा का डूबा रह गया, टूट के गिर गया। तो मतलब वो सीन था। मतलब मैं इसलिए सोचता हूँ कि अगर आपकी फिल्म की कॉपीज हो रही है ना, ये आपका कंटेंट कॉपी हो रहा है, दो उसे रोकना चाहिए। पर ये एक मजेदार मतलब भी है। मतलब मैं वही सोचता हूँ, फिर मैं मार्केट गया, जैसे रेडी मार्केट वगैरह जाते हैं यार, कोई ब्रांड अनब्रांडेड चीज की कॉपी थोड़ी बनाएगा, फर्स्ट कॉपी ऑब्वियसली कोई आई हैव टू यूज़ गुच्ची, वर्साचे, इन्हीं की कॉपियाँ बनती है ना। मतलब जो ब्रांड्स लोगों की चाहत है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी लोग डालेंगे। जिस ब्रांड को पहले कोई नहीं जानता उसकी कॉपी कौन बनाएगा। तो ये मेरी लर्निंग exactly. प्रोफाइल से याद आया, आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल खोलने का टाइम कब लगता है? मुझे एक्चुअली मैं खुद, जैसे कई लोग होते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मेरी सोशल मीडिया पे पिछले 7-8 सालों से मैं हूँ। 2014 में मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई, टोटल 14 पोस्ट होंगे। साल में एक डाल देते हो मुश्किल से कि डीएक्टिवेट ना हो जाए। आजकल तो चलिए वो शादी हो चुकी है तो उसके रिगार्डिंग एक आधी डाल चलो नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहे हैं, आप एक ब्रांड को हेड कर रहे हैं, ब्रांड की अपनी एक विजिबिलिटी रहती है। और आई थिंक हमारी exactly. मैंने कभी अपना नाम उसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया, जैसे चनिका लाइफ के नाम पे जो भी मैसेज आता है। अब जैसे पीछे मेरी एक मतलब कोलीग्स मेरे इंटर्न थे, मतलब थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, पिछले 6 महीने की करके गए मेरे पास। तो अब जैसे मैसेज तो ऐसा आता है, और किसी का भी मैसेज आता है, किसी को भी काम होता है, हे ब्रो, हाय ब्रो, वो आगे से कहती थी सर मुझे ना ऐसे मैसेज आता है, कोई नहीं चलने। तो जो 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 बंदा जो कुछ कह रहा है ठीक है। मतलब आप ये नहीं सोचो कि ब्रो ही वो मैसेज पढ़ रहे हो, ब्रो नहीं, वो ऑफिस में और भी लोग पढ़ रहे होते हैं। जनरली ये होता है भाई, भाई जी अदा, भाई जी होता। कई बार चलो वो कहती है मैं रिप्लाई कर देती हूँ सर, लेकिन अजीब लगता है आंसर देना। हाँ मतलब ह्यूमन इंटरफेस उन लोगों को नहीं समझ में आता, बट आई थिंक कि लोग और भाई या ब्रो या भाई जी लिख के आपके साथ एक कनेक्शन बना चुके होते हैं कि वो आपके साथ कोई भी फैक्ट शेयर करना कंफर्टेबल समझते हैं। ये होता है हाँ। मैंने वैसे कहीं भी मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना नाम कहीं भी लिखता नहीं हूँ, तभी एक मतलब मुझे होता है कि ब्रांड का नाम आए। हाँ। मेरी तो प्रोफाइल भी अगर कोई देखे होगा यार एक्टिव ही नहीं है तो मतलब सोशली हो फिर तो बात है। तो आप मीठा खाना पसंद करते हो कि नमकीन? दोनों ही खाते हैं, डिपेंड करता है। रख दें एट द सेम टाइम गिवन अ चॉइस, क्या पहले नमकीन खा लेंगे फिर मीठा? डिपेंड करता है कि पहले मीठा भी खाया जा सकता है। और पंजाबी बंदा है, चाय या कॉफी? चाय कॉफी या कोल्ड कॉफी? उनमें से कुछ भी हो, मतलब चाय एक अलग चीज है। चलो आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा? डिपेंड करता है स्कूप कर रहे हैं इनसाइड टेस्ट एंड फ्लेवर्स ऑफ। बस हाँ, मुझे सबसे अच्छा लगता है, वैसे मैं बार्बिक नेशन जाता हूँ, वहाँ पे एक कुल्फी नेशन अलग से बना होता है, मतलब स्नैक्स खाए, मेन कोर्स साइड पे करो, बस कुल्फी नेशन जाओ। कुल्फी नेशन। ऐसी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग या ऐसी कोई बड़ी चीज़ या डालते टाइम या आपको लगे नहीं यार ये सच्ची में मेरे प्लेटफॉर्म ने एक चीज़ को जस्टिस किया है, कि कोई ऐसी कोई बड़ी चीज़ हो, रेवलेशन हो? हमने एक्चुअली अब जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी जी, देन मतलब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने 1-2 वॉलंटियर्स भी मतलब अपने साथ मिलाया कि भाई हम लोगों ने 24 आवर प्रोफाइल एक्टिव रखनी है, जब भी किसी को कोई भी ज़रूरत हो हम शेयर करेंगे। और हमने अप्रोक्सीमेट आई थिंक मई के मंथ में अप्रैल में हमने स्टार्ट की थी ये चीज़। कुछ मतलब रिलेटिव्स को भी कोविड की, तो मुझे लगा कि नहीं जैसे एक कज़न चाचा जी थे, तो उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी मतलब ट्राई कर रहे थे उस टाइम प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, कि मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स हैं, कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से कुछ भी रीच हो जाए। और लोगों के मैसेजेस भी आते थे, ठीक है, जितने आते थे हम लोगों ने वो नहीं किया, फिर हमने ढूंढ के मैसेज करने स्टार्ट किए। जैसे किसी को कोई नीड है तो हमने उसको स्टोरी में डाला, स्टोरी को आगे फॉरवर्ड किया, सब कुछ है। तो हमें रिप्लाई आते थे, रिप्लाई हमने नंबर वो किया, हमने मतलब एक 24 आवर्स सर्विस की तरह वो काम किया है कि कहाँ पे वैक्सीनेशन लग रही है, आप वैक्सीनेशन लगवाओ। तब एक मुझे जो लगता है, मतलब मैंने यही अपनी टीम से बोला था उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली 24 आवर हैंडल करना कोई इजी नहीं है, तो टीम एक था वो सब कुछ। तो मैंने यही बोला था कि डजंट मीन कि किसी का अच्छा हो ना हो, मतलब हम ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर एक आधी मतलब किसी को कोई बेनिफिट होता है तो ठीक है, मतलब अच्छा है। तो हमारे में वही बात आता है, मुझे ना वो स्पाइडरमैन का डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। आपको भी पता होगा, वो बड़ा फेमस है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब एक बढ़ती है आपकी, विद पावर लाइक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो एग्जैक्टली जब मेरे पास वो चीज़ है, अगर मैं उसको यूज ना करूँ उस टाइम पे, तो ये जस्टिस नहीं है एक तरह से, मुझे लगता है। अपने एंटरटेनमेंट की भी डेज हैं, और जब अगर सोसाइटी को या किसी को रियली ब्लड की नीड है या कुछ भी है, आई थिंक CSD लाइफ हमेशा आगे आते हैं। और इन्होंने आई थिंक कभी बहुत सारे लोगों ने मुझे भी रीच किया कि सर वी वांट प्लेटफॉर्म्स वेयर, जहाँ पे हमारा रियल मीनिंग कहीं पे आ सके। तो CSG Life हैज़ ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड देयर स्पेस, देयर मैन पावर, देयर होल प्लेटफॉर्म्स टू रियली गिव स्पेस टू द राइट कॉज। आई फील ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए तो ये लोग सबसे आगे हैं। देखो गेड़ी रूट, शुगर मिले, ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, मीनिंग भी ज़रूरी है, पर्पस ऑफ लाइफ भी ज़रूरी है। और कोई रीच आउट करना है, कोई मैसेज है, कल को कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई क्लैरिटी देती है, कल को बहुत बड़े सारे अफवाहें भी उड़ती हैं। एग्जैक्टली तो वो राइट स्पेस है, बिकॉज एक ऑडियंस है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो तबका जो इनको फॉलो कर रहा है, एंड उन तक राइट इन्फॉर्मेशन जाए, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जाए। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना जस्ट की CSG Life के लिए, फिर हमें उस टाइम पे दिल्ली तक से मैसेज आए थे लोगों के, नोएडा दिल्ली से, मतलब कि प्लेटलेट्स चाहिए, प्लेटलेट और ऑक्सीजन के लिए। तो बहुत मतलब जैसे यहाँ पे मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं स्पेशली कि भाई मतलब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है कि हम लोग वहाँ पे वो दे रहे हैं, जैसे किसी NGO से हो रहा है, तो काफ़ी NGO से हमारा टाई अप हुआ उस टाइम पर। तो मतलब काफ़ी हमने ऑल ओवर, मतलब ठीक है 80% हमारा चंडीगढ़ था, 20% हमने और मतलब लोकेशन पे भी उस टाइम पे वो किया है जितना मतलब हो सकता था। मैं तो बस एक न्यूज़ आती थी, हमने जस्ट पोस्ट की, सब कुछ किया एंड ठीक है। लेकिन वही बात है कि उस टाइम पे मुझे लगता है हमने ऐसा कोई और पोस्ट भी नहीं डाली कोविड के रिगार्डिंग, न्यूज़ वगैरह वो सब, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा था कि मुझे लगता है कि तो नहीं जा सकते। Exactly. I mean, तब जब जो नेशन की, स्टेट की, यूटी की जो प्रायोरिटीज हैं, I mean, I think we are all first humans, then citizens, and then entertainment comes at one step because सारा time अब serious भी तो नहीं रह सकते। तो it's life, CSG Life means life, I think। Exactly life। As far as I've understood it, obviously life में सारे ingredients होते हैं, emotion होता है, फिल्मों की तरह comedy होता है, drama होती है, romance होता है, सब कुछ होता है। तो Valentine Day पे भी बड़ी अच्छी चीज़ पोस्टें आती हैं, मतलब अभी दिवाली Rose Day पे मतलब हम डालते हैं स्पेशली। दिवाली पे हम लोग जैसे रंगोली कंपटीशन करवा देते हैं, सब कुछ है। तो गिव अवेज, एक्चुअली लास्ट टाइम मेरी मैरिज थी दिवाली से कुछ टाइम बाद, तो मैं गिव अवेज नहीं दे पाया टाइम से। तो हमने नेक्स्ट जब गिव अवेज किया तो लोगों के मैसेज आ रहे कि पिछला रहता है। लोग इतने मतलब पार्टिसिपेटिंग हैं। एग्जैक्टली है ना। हाँ, तो आप बता रहे थे हाइपरलोकल मार्केट का। हाँ, वो हमारी जो पहला स्टार्टअप था। तो क्या हुआ, एक स्टार्टिंग से ओके, तो हमारा एक स्टार्टअप था जो इससे पहले मतलब हमने स्टार्ट किया था। तो हाइपर लोकल ग्रोसरी ऐप थी वो एक। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो ऐप्स वगैरह बनाई देते थे हमारे लिए नॉर्मल है। तो ठीक है, हमने एक सेक्टर को पकड़ा चंडीगढ़ में ही कि एक इसमें डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या था, पास की मार्केट से सामान उठा के डिलीवर करना, लोगों को बड़ा पसंद आता था, सब कुछ था। तो हमें एक, जैसे हम 10 o'clock तक रात को डिलीवरी देते थे, हमने 8 बजे तकरीबन हमें एक ऑर्डर आता है 3 सोडा, चिल्ड सोडा। तो जो डिलीवरी मैसेज होता है, मैसेज में प्रॉपर्ली लिखा हुआ था सोडा शुड बी प्रॉपर्ली चिल्ड। ये किससे हैं लिटरली, फिर हम फिल्मों में डालते हैं। एग्जैक्टली तो वो उन्होंने सोडा मंगवाया, ठीक है जी, वो दे आए, दैट्स इट ओके। अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के बाद ऑर्डर आता है 3 ब्रेड। हमने ग्रोसरी देते थे, ठीक है जी, 3 ब्रेड, और मैसेज में लिखा हुआ था 3 बटर नान फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। उस टाइम पे आई थिंक जोमेटो वगैरह ज़्यादा नहीं थे जिस टाइम हमने ये स्टार्ट किया था। तो मे भी हुए होंगे, तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होंगे, जो उनको पता नहीं होगा। उन्होंने लिख दिया 3 बटर नान फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट। वो ठीक है, ग्रोसरी स्टोर के बिल्कुल साथ में था, उनको पता था कि ग्रोसरी यहाँ से आती है, कि उसके साथ रेस्टोरेंट है, वहाँ से 3 बटर नान। तो आई कैंसल दी ऑर्डर एंड दे कॉल्ड मी। ऑब्वियसली हम थोड़ा सा लोकली चलते थे कि जो छोटे से एरिया से स्टार्ट किया था। तो ही कॉल्ड मी एंड सेड कि भाई आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मैंने कहा हाँ जी सर सॉरी, हम बटर नान नहीं ऑर्डर करते, हम ग्रोसरी की आइटम करते हैं। तो वो मतलब वही बंदा था जिसने सोडा मंगवाए थे। अब समझ रहे हो कि मतलब चिल्ड सोडास एंड आफ्टर 1 hour बटर नान। तो वो मेरे साथ मतलब एक्चुअली वो थे एक एडवोकेट, ठीक है। तो वो मेरे साथ बात किस चीज़ पे कर रहे हैं, कहते आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो? हाँ जी जाते हैं। वहाँ पे आपने खाना ऑर्डर करना है, ठीक है, आप कुजीन देखोगे? देखेंगे, हाँ जी ठीक है। आपने जब रोटी ऑर्डर करनी होगी तो क्या देखोगे, क्या लिखा होता है वहाँ पे? मैंने कहा ब्रेड। तो कहते आपने जी ऐप में क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा ब्रेड। तो कहते मुझे ब्रेड चाहिए। ये बात हो रही है मतलब रात के 9:30-10 बजे, मतलब सोडा पीने के बाद। हाँ, हाँ, तो हाँ, उन्होंने इतनी बहस की, हमने ऑर्डर कैंसिल किया और वो भी अपनी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रॉपर्ली यही कि नहीं जी ये जो ब्रेड होता है वो ब्रेड होता है। देन मतलब मैं भी एक बार के लिए कंफ्यूज कि भी मैं इनको क्या बोलूं, वही बात की कि एडवोकेट एडवोकेट होता है और ऊपर से जब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, पहले सोडा आया फिर ब्रेड आई, फिर नान आया, तो नान वाज द ब्रेड। तो आपने ब्रेड खरीद के भेजी उनको? नहीं, तो मैं तो चलो ऑर्डर कैंसिल करना था, मैंने कहा सॉरी सर ये मतलब मैंने फिर मतलब गूगल देखा कि ब्रेड और एक वो सॉर्टेड ब्रेड वो अलग होते हैं। देन फिर मैंने दोबारा कॉल की, मैंने कहा सर मैंने वो तो चलो हमें पता था कि एडवोकेट है क्योंकि पर्सनल टच है कि उनके साथ, सबके साथ हमारे फिक्स कस्टमर थे, सब कुछ हमें पता था कि उनके रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा वो पहले सोडे का ऑर्डर उसके बाद दूसरा ऑर्डर आया। तो मैंने कहा सर बात ये है कि वो जो ब्रेड होते हैं वो सॉर्टेड ब्रेड होते हैं, हमारे पास बेकरी वाले ब्रेड हैं तो अगर आपको वो चाहिए हम वो भेज सकते हैं। तुम्हारा निकल से मैसेज भेज रहा है, देख लो चेक कर लो, वही होते हैं। अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ स्टार्ट होने से पहले मतलब पोस्ट करके इंटरव्यू स्टार्ट किया। नहीं पोस्ट करके एक्चुअली तो फोन करके की है कि भाई बीच में मत करना मैं इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपका, आई थिंक इतने रिस्पॉन्सिबल काम है, लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, आपकी टीम कर रही है, और यार थैंक यू आपने हमें इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आप लोग आपके इतने अच्छे काम की वजह से टाइम आ गया हमारा स्पेशल मोमेंट। ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, एरोमा मस्क की तरफ से, CSG लाइफ, राहुल गोयल को एक बहुत बेहतरीन हैम्पर जो आपने काम आप कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए और पूरे ट्राई सिटी एरिया के लिए, प्लीज़ ठीक है। हाँ, और ये दूसरा हैम्पर एलिस्टोस की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। इवन आई हैव समथिंग। हाँ, जैसे कि मैं आपको मर्चेंडाइज की बात कर रहा था। हाँ, तो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मैं यहाँ खोल लूँ, मैं लूँगी चैनल के लिए सही, और ये खासकर ऑडियंस के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आप सब लोग हम सब लोग वी ऑल वर्क टुगेदर, वी एग्जिस्ट टुगेदर, और ये मैं साथ लेके जाऊँगा हैप्पीली, और मैं इसे अपनी स्टोरी में पोस्ट करूँगा, दिखाऊँगा, टैग जरूर करना। हाँ, ये देखो ये मैं टैग भी करूँगा कि इसके अंदर मैंने जब इसको खोला तो इसके अंदर से क्या निकला। डन, ये मेरी तरफ से रहा। आई विल कीप दिस एज अ सस्पेंस टिल द जब ये एपिसोड एयर हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये रिलीज़ करूँगा और दिखाऊँगा कि मुझे क्या मिला इसके अंदर, और आप भी टैग कर देना डाल के। ये डन। CSD लाइफ के बारे में अगर मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, चंडीगढ़ की एक्चुअल वाइब क्या है? व्हाट यू व्हेन यू थिंक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रीजन, द ट्राई सिटी रीजन, वाइब क्या है, जज्बा क्या है लोगों का? लोग मिक्स्ड, एक्चुअली मैं बात करूँ तो मिक्स्ड कैसे क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं चीज़ें। अगर अब मैं बात करूं आज से 13 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तब लोगों को क्रेज किसी और चीज का था, बस ऐसे ही मतलब सड़कों पे भी घूमने का क्रेज था उस टाइम पर। पता नहीं भाई, मैं आई थिंक मेरी एज थी वो 16 साल का लड़का चंडीगढ़ आया कि मुझे था कि भाई हाँ कि वो होता है कि सड़कों पे भी मतलब मुझे लगता है जितना मैंने देखा, आई डोंट नो कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं थे या इतने कैफेज वगैरह कुछ भी नहीं था, एलांटे नहीं था कि लोग सतारा जाते थे। हम लोग कई बार 17 सेक्टर जाते मार्केट में, वहाँ पे 4 लोग हमारे जान पहचान के मिल जाते थे, मतलब वो होता था एक चीज। तो उस टाइम पे आई थिंक ज़्यादा कुछ होता नहीं था। तो उसके बाद जैसे मैं दोबारा आया जब 15-16 में जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई तब बिल्कुल अलग डिफरेंट हो गया काम यहाँ पे, मतलब थोड़ा से ज़्यादा वो गेड़ियाँ गुड़ियाँ वाले ज़्यादा आगे वेले मतलब जो कह सकते हैं, तो उस टाइप का चीज़ चल गई। तो उससे 3-4 सालों बाद बिल्कुल ये पार्टी शार्टी वाला ही माहौल रह गया जितना मैंने देखा। और अब आ गया कोविड, तो कोविड के बाद अब बहुत ही ज़्यादा मतलब ना डाइवर्सिफाई सा हो गया कि चीज़ आप कर नहीं सकते अभी की क्या है, क्योंकि इस टाइम पे चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो हमें बड़ी इस चीज़ की दिक्कत आती है। मैं लिटरली बोलूँ जैसे आप कह रहे हो ना कि क्या वाइब्स हैं कैसे हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे इस टाइम पर, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ प्लान किया। लास्ट मंथ हम प्लान कर रहे थे कुछ बड़ा इवेंट करते हैं जिसमें एक कॉन्सर्ट टाइप भी हो जाएगा, कुछ मतलब और भी 1-2 एक्टिविटीज़ करवाएंगे, सब कुछ है। जैसे हमने पहले भी काफ़ी करवाई है, मैं आपको बता रहा था, हमने ओपन माइक्स करवाए हैं, मॉडलिंग शोज़ करवाए हैं, तो सोच रहे थे। लेकिन फिर वही बात आती है वॉलंटियर एंड टीम से कि इस अभी नहीं फ़ायदा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे हैं तो वो नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा तो जॉब्स वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग अपने अपने घर गए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही कम है। जैसे आजकल आप देखो कि मतलब पीजी वगैरह इजीली अवेलेबल है, सब कुछ है। तो जैसे पहले नहीं होता था, जब अगर मैं मार्च 20 से पहले की बात करूँ, तब वाइब हम फिर भी पकड़ रहे थे लोगों की, भी लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने पार्टीज का अपडेट देना स्टार्ट किया, तो मैं उस तरह का अपडेट देना स्टार्ट करता था। तो आपके ऑडियंस डेमोग्राफिक्स किस तरीके की अब है, ज्यादा क्या एज ग्रुप है जो ज्यादा आपका? वो है अप्रोक्स 15 to 35। हाँ, तो बहुत यंग एज ग्रुप है जो एग्जैक्टली। तो ज्यादा पंजाबी टच इसमें ज्यादा है, हिमाचली एंड पंजाबी। ओके, तो हिमाचली तो चलिए बहुत मतलब आपको पता ही है कि काफ़ी होते हैं, एंड दूसरा पंजाबी वो तो है ही है। हमारा तो काफ़ी कंटेंट भी हम पंजाबी में होता है, काफ़ी रहता है, क्योंकि मोहाली के कारण एक जरूरी भी होता है। और दूसरा पंजाबी बंदे के लिए चंडीगढ़ इज़ लाइक कि भैया एक अलग ही टच रहता है। चंडीगढ़ की खास बात ये है जी, ओनली सिटी आई नो इन द वर्ल्ड जो कि 2 स्टेट्स की कैपिटल है और खुद भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो 3 सरकारें यहाँ बैठती हैं, और नेचुरली स्टेट कैपिटल है तो बहुत सारा इनफ्लो लोगों का रहता है। प्लस ये एक मेजर एजुकेशनल और स्टार्टअप्स का और मेजर जॉब्स का, एमएनसी बेस्ड जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा इनफ्लो सिटी है फॉर हिमाचल ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं, बहुत सारे। तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल हाँ, मतलब अगर आप ठीक, अब दिल्ली को एक बार छोड़ दें अगर हम, नहीं तो, वो नेचुरली वो हरियाणा के नेक्स्ट स्टेट नॉर्थ इंडियंस के लिए दिल्ली आती है, बट अगर हम इस साइड के करें अपर इंडिया को कैटर कर रहा है, और चंडीगढ़ एक्चुअली नॉर्थ को बहुत स्तर पर कैटर कर रहा है। मैं ये सिर्फ नहीं कहूँगा सिर्फ पंजाब, हिमाचल, हरियाणा बोलूंगा, मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड से भी बहुत लोग यहाँ पे हैं, जम्मू से आते हैं, जम्मू से बहुत ऊपर से लोग, क्योंकि एजुकेशन है, होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत चीजें हैं जो इस रीजन में आप जाएं, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी जो है वो है यहाँ पे। मैं ट्राई सिटी की बात करूँ तो ट्राई सिटी में क्वालिटी काफी है लाइफ की। अगर हम कहें कि हमने मतलब देखो क्या होता है कि लोग गुड़गांव में जॉब करते हैं, और दूसरा चंडीगढ़ ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों होती है, एक तो घर के पास है, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी मिल जाएगी आपको, ग्रीनरी ऑब्वियसली, एक जो जितना ग्रीन हमारा चंडीगढ़ मतलब है सिटी, मुझे लगता है कि हैदराबाद आई थिंक मैंने सुना है थोड़ा सा, इंदौर सुना है कि जो अच्छे सिटीज़ में आता है, जो कि मतलब ओवर क्राउडेड नहीं है। अब जैसे चंडीगढ़ बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं है, अगर आपने देखा हो यहाँ पे खाली स्पेस कितना है, सब कुछ है, मतलब कि ठीक है, नॉर्मल रोड्स पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा जितना दिल्ली, बॉम्बे मतलब वहाँ पे मिलेगा। तो या दैट्स द पॉइंट, मतलब एक लिविंग क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी हाई है। लाइक जो मैंने मतलब चंडीगढ़ के बारे में काफ़ी रिसर्च की, हिस्ट्री भी देखी, सब कुछ किया, चंडीगढ़ मोहाली कि ये कैसे बने, कैसे इनका ओरिजिन हुआ, ये कैसे कैसे चीज़ें हुई। अब ठीक है, चंडीगढ़ में एक रहने के लिए सबसे जगह मिली, सब कुछ है। पहले पहले यहाँ पे कोई लोग रहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आउटसाइड से हो गए हैं, मतलब कट ऑफ से हो गए हैं, धीरे धीरे ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, क्वालिटी एक बनती है ऑब्वियसली, कैपिटल के कारण सब कुछ वहाँ पे चलता है। तो ठीक है, अब लेकिन चंडीगढ़ एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी जैसे स्टेट। अगर आप जीरकपुर का हाल देखेंगे, ठीक है, चंडीगढ़ के नाम पर ठीक है लोग जीरकपुर होते हैं, बट जीरकपुर थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है, आपको नहीं लगता? नहीं, ऑफ कोर्स आई नो दैट। हाँ, मतलब वो है थोड़ा सा। नेचुरली उसमें ना ग्रोथ का फर्क ये है कि चंडीगढ़ में हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत कम है। एग्जैक्टली, वो इट हैज़ बीन प्लान्ड इन सच अ वे कि आप इतने स्क्वायर फीट एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। तो नेचुरली मेजर सिटीज़ में जहाँ बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने प्रमोट की हैं, वहाँ पे नेचुरली एक छोटे से 4-5-6 एकड़ के एरिया में बहुत सारी कार्स हो जाएंगी, बहुत सारा रोड कंजेशन हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इस पूरा ट्राई सिटी एरिया में अगर आप देखें कि चंडीगढ़, पंचकुला अभी मैं ऐड करूंगा और मोहाली में भी, तो बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है। मोहाली में भी नहीं है, अगर मेजर सिटी में नहीं है। बाकी जैसे चंडीगढ़ तो यूटी है, तो वो यूटी को अपना एक फॉरेस्ट जैसे जितना रिक्वायर्ड होता है इतने % तो वो है, उसके कारण वो ज्यादा क्राउड कर भी नहीं सकते वहाँ पे। तो वो फिक्स्ड होता है कि आपको इतना लैंड इस चीज़ के लिए रिजर्व्ड है, इतना इस चीज़ के लिए रिजर्व्ड है, तो वो है जी। तो यही आई थिंक चंडीगढ़ की बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन मैं जो कवर करता हूँ वो हम चंडीगढ़ ट्राई सिटी को कवर करते हैं। लाइफ क्यों फॉलो करें ये बताओ, अपने मुद्दे की बात करो। वो आपकी मर्जी है, देखिए हम आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप फॉलो कीजिए, नहीं पसंद आता तो आप हमें बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे ताकि आप फॉलो करें। ये होती है एक सही स्ट्रीक। ऑब्वियसली अनफॉलो नहीं करना, आप मुझे जस्ट बताइए कि व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव एंड व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इम्प्रूव करें। बिल्कुल, तो यही यूं ही राहुल भाई और मेरी बातें CSD लाइफ की और रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट की बातें यूं ही चलती रहेंगी और ये तो एक कांस्टेंट सफ़र है हमारा, ये कांस्टेंट जर्नी exactly है together कि कंटेंट आ रहा है, बन रहा है और शहर में जो चल रहा है और RFE अनप्लग्ड भी चल रहा है ना। और यूं ही बने रहिए आप लोग हमारे साथ, ये हमारी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात ये एक्चुअली बड़े महीनों से सालों से ड्यू थी। आई थिंक कोविड का बात है, उससे पहले हमारी इस साल के स्टार्टिंग से चल रही है कि राहुल भाई को हमने कहा कि हम शो पे लेके आएंगे डेफिनेटली। और CSD लाइफ के पीछे वो हसीन चेहरा, वो सेहतमंद हसीन चेहरा जो आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आ रही हैं वो यही है, ये क्लोजअप करके दिखाया जाए। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ RFE अनप्लग्ड के आने वाले एपिसोड्स के साथ भी, और ये एपिसोड भी बार बार रिप्ले करके देखें क्योंकि इसमें राहुल हैं, CSD लाइफ है और मैं हूँ ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं राहुल गोयल और आप देख रहे हैं RFE अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पर। आप देख रहे हैं RFE अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे।